बने श्रोताओ नमस्कार। आज है कलयुग विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि या त्रयोदशी। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक या तिथि बनती है, जी हाँ, आज है 7 अप्रैल 2024, यानी 7th of April 2024। और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर, और साथ में हमारे रेडियो मनपसंद मोबाइल ऐप पे भी। और आज की संडे की मॉर्निंग में जी हाँ, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, या जिस देश में आप सुन रहे हैं वहाँ अगर नाइट हो रही है, सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो गुड नाइट। जी हाँ, गुड नाइट अभी मत बोलिएगा, अभी 2 घंटे हम मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है संडे का तड़का। जी हाँ, जैसे मैं कहता हूँ, चाय पर तड़का या संडे का तड़का, आप लोग ज्वाइन करिए। जी हाँ, 2 घंटे और बस क्लॉक आप देखिए, मेरी स्टूडियो की क्लॉक में तो 11:02 हो रहे हैं, विच इज़ गलत, एब्सोल्युटली गलत। जी हाँ, समय थोड़ा लग रहा है स्टूडियो का खराब चल रहा है, लेकिन आशा करता हूँ आप लोगों का समय एकदम बढ़िया चल रहा होगा। जी हाँ, अपनी क्लॉक देख लीजिए, जो मैनुअल क्लॉक्स हैं, जो डिजिटाइज क्लॉक्स हैं, या आपकी स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉचेस क्लॉक्स हैं, वो तो अपने आप सेट हो गई होंगी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ डेलाइट सेविंग्स की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया क्या, पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड नहीं, न्यू साउथ वेल्स में, तास्मानिया में, विक्टोरिया में और ACT में, और मेरे से साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी डेलाइट सेविंग्स समाप्ति हो गई है, तो हम सब ने अपनी क्लॉक्स पीछे 1 घंटा कर लेनी चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर लेट शुरू हुआ प्रोग्राम, लेट नहीं शुरू हुआ, अभी सुबह के 10:03 हो रहे हैं यहाँ पर मेरी हमारे कैनबरा के क्लॉक में। तो कहते हैं ना, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल। जी हाँ, आगे जाऊं निकल, मैं तो यही चाहूँगा आप सब आगे निकलिए, समय से आगे मत चलिए। कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए आराम से 1 घंटा आज सोने को मिल रहा है, तो सोइए, आराम करिए, संडे की सुबह है और संडे आज बहुत बढ़िया हो रहा है, थोड़ी सी धूप निकल रही है, कोशिश कर रही है निकलने की, फिर बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, फिर तो बस भाई इतनी ताबड़तोड़ बारिश हुई है। जी हाँ, 2 दिन में इतनी, ये बोलते ना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है। और आप सब जो न्यू साउथ वेल्स के इलावारा में या उधर न्यूकासल साइड में हैं या ACT में हैं, वहाँ काफ़ी बाढ़ आ गई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुकुशल होंगे। अगर नहीं है तो प्लीज़ गिव SES इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर है 132-500, उनको कांटेक्ट कीजिए। अगर आपकी छत लीक कर रही है या आपके गैराज में पानी है या आपकी कार कहीं फंस गई है कहीं बाढ़ में या आप फंसे हुए हैं बाढ़ में, या प्लीज़ बाहर मत निकलिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और रोड पे अगर आप हैं तो प्लीज़ ध्यान से गाड़ी चलाइए, थोड़ी सी स्पीड कम कर लीजिए, 100 की स्पीड है तो 90 पे चलाइए, 90 है तो 80 पे चलाइए, थोड़ा 10 किलोमीटर, कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए, आज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ वेदर बदलने वाला है कैनबरा का, क्योंकि ऑटम सीज़न आ गया, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीज़न, वन ऑफ द क्या, ये दी बेस्ट सीज़न है, क्योंकि यहाँ पे पत्ते जब रंग बदलते हैं बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, फोटोग्राफर्स की तो चांदी है, सोना है उनके लिए, सोना है। जी हाँ, क्या क्या बढ़िया है, आपको कहाँ जापान, नीदरलैंड्स, यूरोप, US, इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है, कैनबरा में इतना बढ़िया मौसम हो जाता है, ये जो गुलाबी ठंड होती है, हल्की हल्की ठंड है, सुबह की ठंड होती है या फिर दोपहर में 20-25 डिग्री हो जाता है, तो चलिए आप आनंद लीजिए, वेदर का आनंद लीजिए, मज़ा कीजिए, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल कैनबरा। जी हाँ, जो भी वेदर है इंजॉय कीजिए, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग मस्ती से इंजॉय करेंगे, खुश होकर इंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाहर धूप सेकिए, हवा खाइए, और बस क्या कहते हैं, त्योहारों का आनंद लिए, त्यौहार भी आ रहे हैं। जी चलिए, जैसे मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द कंट्री, क्योंकि आज जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसकी पारंपरिक अधिकारों को स्वीकारते हैं और सम्मान करते हैं, रेडियो मनपसंद ननवाल और नामरी राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी आदिवासियों, टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर
के पारंपरिक भूमि के मालिकों को भी याद करते हैं जिनकी धरती से हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, और आप सभी को हमारा शत-शत नमन और प्रणाम है। धन्यवाद फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इस धरती पे आके ये कार्यक्रम कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। चलिए, जैसे मैं त्योहारों की बात कर रहा तो होली गई, होली हा 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 जी हाँ, आई एम बैक फ्रॉम इंडिया। मैं तो काशी की होली खेल के आ रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या मज़ा आ गया काशी की होली खेल के। काशी मतलब बनारस या वाराणसी, काशी उसका पुराना नाम है। आजकल हमारे माननीय मोदी जी ने काशी का नाम इतना क्या कहते हैं फल फूला दिया है कि पूरी दुनिया में काशी का नाम रोशन कर दिया है। चलिए, काशी की होली खेली, काशी में मज़ा आया। साथ में आप लोगों ने ईस्टर मनाया होगा, आशा करते हैं आप सब लोगों को होली और ईस्टर की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो काशी के रंग में रंगा हुआ हूँ, काशी की धूमधाम से, तो उस बारे में बात करूँगा। और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो आप सभी को हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं जो रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, उन सबको रमज़ान मुबारक। और ईद आने वाली है जी हाँ, 9 या 10 तारीख को ईद है, तो आपको अभी से ईद की भी मुबारकबाद। और चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जी हाँ, हिंदू नववर्ष आ गया, उगाड़ी है, गुड़ी पड़वा है, पुतंडू है, मैं सही बोलूँ ना, पुतंडू जी हाँ, तमिल वालों आइए यो पुतंडू बोलना है, या वर्ष पिरप्पू आई थिंक वो भी बोल सकते हैं ना, तो आप सभी को। और वैसाखी जी हाँ, वैसाखी भी आ रही है, तो आप सबको इस नववर्ष की और इन सभी त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आया हूं करीब कितने 6 हफ्ते बाद, तो कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने शायद कैनबरा का बर्थडे मनाया जी हाँ, कैनबरा का बर्थडे मनाया। और मेरी समोअन प्रेजेंटर योली शीज़ मेरे को विंडो से देख रही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़ा अच्छा स्टूडियो सजाया हुआ है, राम मंदिर के रंग में रंगा हुआ हूँ, होली के रंग में रंगा हुआ हूँ, और गुजिया भी है और नमक पारे भी हैं। अगर आप आना चाहें स्टूडियो जी आ जाइए। तो योली, हेलो योली, थैंक यू। देखिए योली ने हैप्पी होली कह रही हैं और वो जा रही हैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करके। थैंक यू योली, उनका नाम ही योली है, बहुत ही मस्त लेडी हैं और हम अक्सर मिलते हैं संडे को। तो जी हाँ, बात कर रहा था त्योहारों की, तो कैनबरा में आप लोगों ने बर्थडे मनाया होगा। कैनबरा का 111वां साल हो गए जी हाँ, 111वां साल का हो गया है, बहुत ही बढ़िया। 111 नेल्सन जी हाँ, बोलते हैं अनलकी होता है बहुत लोगों के लिए नेल्सन, लेकिन हम मेरे लिए तो बहुत लकी है, कैनबरा वालों के लिए लकी है, और जो भी कैनबरा आता है वो कैनबरा में बस जाता है। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया को जी हाँ, और नई खबर आई है, ऑस्ट्रेलिया को नया गवर्नर जनरल मिल रहा है जी हाँ। ऑनरेबल किंग चार्ल्स जो है हमारे मानिए, उन्होंने समंथा मॉस्टन को नया गवर्नर जनरल अपॉइंट किया है, 28th गवर्नर जनरल, और वो 1 जुलाई को कार्यभार संभाल लेंगी। बहुत बहुत बधाई है समंथा, क्योंकि हमारे जो हिज एक्सेलेंसी डेविड हर्ली हैं जो अभी कार्यरत हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो आई थिंक 1 जुलाई को समंथा आ जाई हैं। तो और खुशी की बात ये, आई एम वेरी प्राउड टू से शी इज़ अ कैनबरन। मैंने बोला ना, बहुत दिनों बाद कोई कैनबरा का निवासी या कैनबरा में पला बड़ा यहाँ पे, और एक बड़ा बहुत बड़ी ये कहते हैं एक पद संभाल रहा है। तो वेलकम सैम, उनको प्यार से लोग सैम भी बोलते हैं, नाराबंडा कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, तो जब वो कार्यभार संभालेंगे मैं आशा करूँगा उनसे इंटरव्यू करूँ, उनके बारे में जानूँ, बिकॉज वी ऑल आर प्राउड टू बी कैनबरन। चलिए इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में तो दो चीज़ों की धूम मची थी, एक तो मैंने बताया होली की थी, शिवरात्रि भी मैंने मनाई काशी की, IPL की धूम मची हुई है, और साथ में आ रहे हैं इलेक्शंस जी हाँ, इलेक्शंस की काफ़ी धूम मची हुई है। 19 अप्रैल से ये शुरुआत हो जाएंगे और 1 जून तक चलेंगे, बड़े 6 भागों में है। इट्स ए बिग क्या कहते हैं एक टास्क है इलेक्शन कमीशन के लिए, कि इतना आसान नहीं है, एंड इट्स द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, कि इतना बड़ा देश है, इतने करोड़ लोग हैं, और कितने तो उनको पूरे सब जगह पहुंचना आसान नहीं है, तो इसलिए 6 स्टेजेस में इलेक्शन होंगे 19 अप्रैल से 1 जून। तो उस इलेक्शन की जानकारी हम अगले प्रोग्राम में देते रहेंगे जैसे जैसे इलेक्शन होते जाएंगे। और इसका अनाउंसमेंट जी हाँ, 4 जून को काउंटिंग शुरू होगी और 6 जून को रिजल्ट अनाउंस होंगे। बनारस की बात कर रहा था तो बता दूँ कि काशी विश्वनाथ गया, वहाँ मंदिर बहुत ही बढ़िया हो गया, प्रांगण बड़ा होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, सफाई हो रही है। आप लोग अगर इंडिया जा रहे हैं तो प्लीज़ कीप बनारस इन योर आइटनरी, और साथ में अयोध्या भी जी हाँ, अयोध्या भी जाइए, साथ में बहुत ही पास में है, 4 घंटे का आसपास है, और आजकल तो वंदे भारत चल गई है बनारस से अयोध्या, वेरी फास्ट ट्रेन 4 घंटे में आपको पहुँचा देगी। और काशी विश्वनाथ की बात करूँ तो
5 लाख लोग रोज वहां दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, 5 लाख, जितना कैनबरा की भी पॉपुलेशन नहीं है उतना कैनबरा का पूरा पॉपुलेशन से भी ज़्यादा काशी विश्वनाथ में आते हैं। तो मैं तो बनारसी हूँ, पूरा बनारसी। अरे का बोला था, अरे भैया, अरे हमार ऊपर तो भंग चढ़ गई है बनारसी। और बनारसियों की तो क्या बात करें, बनारसी वाले तो मेरे दिलदार हैं, मेरे यार दोस्त हैं, जो जितने भी हैं बचपन के यार दोस्त हैं, सेंट जॉन स्कूल के यार दोस्त हैं, इतने जिगरे दोस्त हैं। वो अभी सुन रहे हैं, अभी सुबह उठ के 5:30 बजे उठ के सुन रहे होंगे। जी हाँ, और नहीं सुनेंगे तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम तो हमेशा सुनते हैं मेरा संडे का प्रोग्राम। और उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या क्या हाथों पे रखते हैं वो लोग। मेरे करीब 14 फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, अभी भी हैं, और हम लोग जब मिलते हैं ना, चाय की दुकान पे या पनवा की दुकान पे या स्कूल के बाहर कुल्फी की दुकान पे, अरे हाय मज़ा आ जाता है। हम सब भूल जाते हैं अपनी, कौन किसने कितना कमाया है, किसके पास कितना पैसा है, क्या गाड़ी है, घर है, हम लोग दिलदार होके। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि हैं तो वो 56 साल के, लेकिन उनका दिल 56 इंच सीना चौड़ा है। जी हाँ, तो 56 इंच का सीना रखते हैं। और चलिए, बनारस की बात कर रहे हैं तो सफाई बड़ी अच्छी हो रही है, घाट्स बड़े अच्छे बन रहे हैं, नए बन रहे हैं। नमो घाट बड़ा अच्छा बना है, जिसमें मोदी जी के नाम पे ही बना हुआ है नमो घाट, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और आपको बता दूँ, क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। जी हाँ, जैसे अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वैसे ही बड़ा सा स्टेडियम बनारस में भी आ रहा है। और एक और चीज़, बड़ी नई चीज़ आ रही है, काशी रोप वे। जी हाँ, काशी रोप वे 3.5 किलोमीटर की रोप वे आप इमेजिन कर सकते हैं। सीधे रेलवे स्टेशन, बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन से सीधे आपको गंगा घाट तक, जी हाँ, दशाश्वमेध घाट तक पहुँचा देगा। 3.5 किलोमीटर तो आपको पूरे बनारस के दर्शन ऑन द टॉप स्काई से मिलेंगे। चलिए, अयोध्या भी गया, उस बारे में बात करूंगा, लेकिन साथ में यहाँ पर मैं बता दूं, आज प्रोग्राम बड़ा चौका ब्लॉक होने वाला है, बहुत ही रंगीन होने वाला, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने वाली हैं खूबसूरत देवियाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 देवियाँ। जी हाँ, वो क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, क्या बातें होंगी, क्या तड़का लगेगा, सौंदर्य का तड़का लगेगा, उस बारे में बताऊँगा। जी हाँ, जल्दी बताऊँगा, आप लोग लगे रहिए और सुनते रहिए। और साथ में आज मना रहे हैं जितेंद्र जी का जन्मदिन। जी हाँ, जितेंद्र जी जन्मदिन, उनकी उम्र बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज इज़ अ नंबर फॉर हिम, ऑलवेज यंग, हैंडसम, स्मार्ट लगते हैं अभी भी, अपना जिस स्वैग से पेश आते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में या वीडियोस में। साथ में मैं और उनका बड़ा फ़ैन हूँ, इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे अपने आप को इस उम्र में भी एकदम यंग एंड हैंडसम दिखना है। चलिए, तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे, मैं आया हूँ बहुत दिन से, बहुत बातों से भरा हुआ हूँ। आई नो आप लोग गाना भी सुनना चाह रहे होंगे, लेकिन बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें करते रहेंगे। चलिए, बस यही कहूँगा कि आप लोग जब भी बनारस जाएं, प्लीज़ गो टू बनारस। और क्योंकि कहते हैं ना कि जीते जी काशी ना आए, 4 कंधों पे चढ़ के आए, तो भैया 4 कंधों पे मत जाइएगा, जीते जी काशी जाइए, क्योंकि हमारी तो रगों में है गंगा मैया, आपके रगों में तो होंगे लहू भय है, लेकिन हमारी तो भैया गंगा मैया भरे है। तो चला भैया, लगा दे तो भैया गाना एक बनारसी, क्योंकि हम बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, क्योंकि हमारा नाम बनारसी बाबू। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के बनारस का, अयोध्या जी का तड़का लगा के। जय श्री राम। अपने रंग हजार, बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू। हम हैं बनारसी बाबू, बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी बाबू। हम हैं बनारसी बाबू।
की लहरों जैसी, गंगा की लहरों जैसी सीधी सादी चाल हमारी, घाट घाट का अरे पानी पी के, घाट घाट का पानी पी के हमने सारी उम्र गुजारी, ना रास्ता ना मंजिल फिर भी घूमे सुबह शाम, बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम, बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। बनारसी बाबू जी हम हैं और रहेंगे, बनारसी बाबू जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और तड़का लगाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में देवियां आ रही हैं, एक एक करके प्रकट हो रही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ राम मंदिर का पूरा माहौल बनाया हुआ है। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या मेरे यहाँ पे, ये कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो गई है मेरे स्टूडियो में। जय श्री राम। जी हाँ, मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट डाली है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माहौल जय श्री राम हो रहा है, और काशी विश्वनाथ का माहौल है, हर 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 महादेव। जी हाँ, और गुजिया भी है, आना चाहें तो गुजिया खा सकते हैं, साड़ी भी है, और कुछ महाकाल के टी शर्ट्स वगैरह भी हैं अगर आए तो। लेकिन हमारे साथ तड़का लगाने के लिए ऑनलाइन भी जुड़ गए हैं, बासु जी जुड़े हुए हैं, अंकुल अंकुल जी हैं, प्रीति थैंक यू प्रीति, और बोल रही है वेलकम बैक मनीष जी। जी हाँ, वेलकम बैक प्रीति, और बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन गुप्ता जी, कैसे हो सकता है बिना चंदन का टीका लगाए कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती है संडे की और मंगलवार की। चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बरेली से हमको याद कर रहे हैं। गुरजन सिंह जी हैं, गुरजन जी प्राजी की हाल है तुसी, इनका वैसाखी मेला आ रहा है जी हाँ अगले संडे 14 अप्रैल को, प्लीज़ जाना मत भूलिएगा, स्टेज 88 कॉमनवेल्थ पार्क में। गुरजन जी न्यू डोर प्रॉपर्टीज़ के कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, और वैसाखी मेला और दिवाली मेला हर साल लेकर आते हैं। और मेला क्या होता है, मेला इज़ लाइक ए पूरा मोहल्ला आ जाता है, पूरा कैनबरा आता है। आई एम श्योर दिस विल बी अ बिगर एंड बेटर त्यौहार या मेला, वैसाखी मेला, याद रख डायरी में डाल दीजिए 14 अप्रैल को दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक, बहुत ही तड़का लगेगा। हमारी आरजे मणि जी हाँ, आरजे मणि वो करेंगी एमसी, तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगी, तो वहाँ जाके आप तड़का लगाइएगा, बल्ले बल्ले और गिद्दा कीजिएगा। सौरभ एंड शगुन लगे हुए हैं मेलबर्न से, थैंक यू सब लोग, थैंक यू लिसनिंग। चलिए बनारस की बात कर रहा था, तो बनारस तो
हमें मुझे दिल से प्यारा है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपके रगों में खून बहते हैं, लेकिन मेरे रगों में तो गंगा मैया बहती है। तो जब भी गंगा मैया बुलाती हैं या मेरी माँ बुलाती है, मैं बनारस चल देता हूँ। और माँ बाप के पास कभी भी कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, जब मन करे तब चले जाइए। तो जब भी जाता हूँ, एक क्या कहते हैं, एक इमोशनल फीलिंग आती है, एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है बनारस में। और जब भी जाता हूँ, एक कहते हैं कि एक आत्मचिंतन होता है, कहाँ से आए हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। जी हाँ, सुधीर भाई, बासु भाई सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मनीष आ गया फिर डायलॉग देने के लिए। चलिए, डायलॉग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, अयोध्या भी गया। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि बनारस से इस बार मैं श्रवण कुमार बन के अपने माता पिता को लेकर, जी हाँ, तराजू में तो नहीं, लेकिन हाँ, कार से, टैक्सी से अयोध्या गया। वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, स्थापना हो चुकी है, थैंक्स टू हमारे ऑनरेबल मोदी जी। जी हाँ, जिन्होंने वहाँ इतना धुआंधार, ये कहते हैं इतना लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया पूरी दुनिया भर में, कि भर भर के लोग, श्रद्धालु आ रहे हैं। और अयोध्या, जहाँ जहाँ राम जन्मभूमि, उसको अयोध्या धाम कर दिया है। और फैज़ाबाद जो पुराना सिटी था, उसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। तो जब से 22 जनवरी से, जब से मोदी जी ने इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड वाइड, तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो आप भी जाइए, हम भी गए, और राम मंदिर के साथ साथ बहुत अच्छा बना है, 50% कंस्ट्रक्शन हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, लाइन भी बड़े कायदे कानून से है, आपको अपनी चप्पल जूते रखने हैं उसका भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, आपके मोबाइल फ़ोन्स, बैग्स, कुछ भी अलाउड नहीं, इवन आपका कंघा या रुमाल तक निकाल लेते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर, कुछ लेके मत जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, मंदिर में जाना है तो मोह माया बाहर छोड़ के जानी पड़ती है। तो अपनी मोह माया छोड़ दीजिए, उसका भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और अंदर आप जाएंगे, बड़ी अच्छी लाइन कायदे कानून से, और बड़ा इत्मीनान से आपको 5-10 सेकेंड वहाँ खड़े होकर आप राम जी का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी मूर्ति है, बहुत ही अच्छी मूर्ति है, और मैं उसका एक छोटा सा क्या कहते हैं तस्वीर लेकर आया हूँ, जो स्टूडियो में मेरे यहाँ सामने रखी हुई है। तो जय श्री राम। तो आप लोग जाइए, और साथ में आप राम मंदिर के साथ साथ देख सकते हैं हनुमान गढ़ी भी बड़ा अच्छा, छोटे से एक स्तूप के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ, थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, 70 सीढ़ियाँ हैं, और वहाँ जा सकते हैं। और दशरथ महल है, वहाँ जा सकते हैं। साथ में सरयू रिवर है, नदी है, उसके पास में राम की पेड़ी बनाई हुई है, बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे आपको शाम को क्या कहते हैं, फायरवर्क्स भी होते रहते हैं, लेज़र शोज़ होते हैं, बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, आपको यूपी टूरिज्म की दर्शन होते हैं, साथ में अयोध्या की कहानियाँ होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पे बड़ा रौनक रहती है। तो आप सब लोग जाइए और आनंद लीजिए, बहुत कुछ है। और साथ में वहाँ पर था एक वो बनाया हुआ है, लता मंगेशकर चौक, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वहाँ वीणा रखी हुई है और लता मंगेशकर जी की बड़ी अच्छी तस्वीर और पोस्टर्स वहाँ लगे हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे शायद एक चौराहा है, इट्स लाइक अ राउंड अबाउट, एक तो उसको चौराहा को सजाया गया, और लता मंगेशकर की याद में, जो उनकी एनिवर्सरी थी, आई थिंक 92 बर्थ एनिवर्सरी पे लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में जब उनकी बर्थडे होती है 29 सेप्टेम्बर को, तब माननीय मोदी जी और योगी जी ने उसकी स्थापना की थी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा। तो आप लोग जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा, अयोध्या के दर्शन कीजिए, अयोध्या जाइए। और चलिए, मैं तो गया था, और आप लोग जो मेरे को फॉलो करते हैं व्हाट्सएप पे, तो सबने मेरी स्टोरीज तो देखी होंगी, और सबने नहीं तो कुछ छोटे से झलकियाँ फेसबुक पेज पर भी डाली हुई हैं। चलिए, और बहुत सारी बातें हैं, अगर आप बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि बारिश, जी हाँ, बारिश बड़ी ज़ोर शोर से हुई थी, और बारिश का जब होती है तो मुझे तो बड़ा मन करता है कि कुछ पकौड़े शकौड़े चाय वाय हो, तो कल पकौड़े खाए। जी हाँ, मेरी मैडम ने बनाए बढ़िया प्यारे से, अच्छे से प्याज और आलू के पकौड़े, और आज फिर पकौड़े खाए। जी हाँ, आज फिर ब्रेड के पकौड़े खाए, क्योंकि बारिश अभी थम नहीं रही है, तो रोज़ ही ब्रेड और चाय के पकौड़े चल रहे हैं। आप लोग क्या खाते हैं, पकौड़े खाते हैं? या मेरे को एक और चीज़ पसंद है जब बारिश होती है, वो है आलू के पराठे विद सफ़ेद मक्खन, घर का मक्खन, और उसके साथ अदरक वाली चाय। आप लोग क्या क्या पसंद करते हैं जब बारिश हो रही होती है? पकोड़े हैं, पराठे हैं, ढोकला है, या कुछ और, समोसे हैं, कचौड़ी है, क्या खाने का मन करता है? प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए 04218980095। या अयोध्या की बातें करनी है, या रामचंद्र जी की बात करनी है, या बनारस की बात करनी है, तो उठाइए फ़ोन, मिलाइए मुझे, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 04218980095, नहीं तो
फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट भेजिए और वहाँ से मैं आपके कमेंट्स पढ़ दूंगा या बात करना चाहें। स्टूडियो का नंबर है 6287-4347। चलिए यार, राम जी तो अयोध्या पधार गए, लेकिन हमारे स्टूडियो में भी पधार गए हैं श्री रामचंद्र जी। जय श्री राम। लगे रहिए और सुनते रहिए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरो को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये आभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवा खुशियों के हमारे नाम आए। कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत का उच्चायुक्त गोपाल बागले और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। लगे रहिए, सुनते रहिए। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, Oh,
जी हाँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के, और मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। और भारत की जी हाँ यादें ताज़ा कर रहा हूँ, भारत से ही आया हूँ अभी फ्रेश एकदम एकदम काशी की काशी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके, और साथ में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से दर्शन करके आया हूँ। और दर्शन की बात कर रहा हूँ, मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो चार चार देवियाँ साक्षात मेरे सामने खड़ी हैं। क्या कहते हैं सौंदर्य की, मैं एकदम नर्वस हो रहा हूँ, लाल हुए जा रहा हूँ शर्म के मारे, और लाल इतना हो गया हूँ कि काला पड़ गया हूँ, इतना ज़्यादा लाल हो गया हूँ। चलिए, इन देवियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इनसे बातें होंगी, इनको मैं अभी थोड़ा सा सेटल होने देता हूँ, आई नो। और ये लोग क्या बातें करेंगी, क्या क्या तड़का लेकर आई हैं, सब अपनी अपनी पहले सेल्फी में लगी हुई हैं, कोई मेरे रेडियो प्रोग्राम मेरा कोई नहीं ले रहा फोटो। चलिए कोई बात नहीं, लेंगे कह नहीं, बाद में लेंगे, लेकिन पहले अपना तो रील्स बना लें, ये आजकल की सोशल मीडिया का ज़माना है। चलिए, हम उस पुराने ज़माने के हैं आजकल की, चलिए जो भी है। लेकिन बात कर रहा था भारत की, तो भारत यहीं पे, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि मैं भारत जाता हूँ तो मुझे भारत में वो भारतीयता या लोगों में भारतीयता उतनी नहीं दिखती जितना हमारे अंदर यहाँ एज ए माइग्रेंट्स रहती है। क्यों आपको नहीं लगता कि वी आर मोर इंडियंस हेयर इन ऑस्ट्रेलिया या US में, या इंडियंस दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, त्यौहार हैं ठीक है मना लेंगे, घर में मनाएंगे, छोटा मोटा कर लेंगे, बस कपड़े पहन के निकल जाएंगे, बाहर KFC में खाना खाएंगे, कैन यू बिलीव, मैकडोनल्ड्स में खाएंगे, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ हर त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, आप भी घर से बनाते होंगे, बड़ी तैयारियाँ होती हैं, कपड़े पहनते हैं और सज धज के जाते हैं। तो त्यौहारों की बात करें तो त्यौहार अभी निकले हैं, होली और ईस्टर तो गया, लेकिन अभी जो त्यौहार आने वाले हैं वो है, जैसे मैंने कहा कि भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष आ रहा है, मंगलवार 9 अप्रैल से, जी हाँ ये आ गया, और बुधवार 17 अप्रैल तक चलेगा, जी हाँ। और इट्स ए लूनर न्यू हिंदू न्यू ईयर 2021, विक्रम संवत 2021 नहीं 2081, कहाँ मैं हिंदी भूलता जा रहा हूँ, जी हाँ हिंदू न्यू ईयर नववर्ष 2081, और इसकी धूमधाम से तैयारी चल रही है हिंदू टेंपल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी में, जी हाँ, जहाँ पे चैत्र नवरात्रि का भी कार्यक्रम है। तो मंगलवार 9 तारीख को हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा, और साथ में ये सारे कार्यक्रम आप बुधवार 17 अप्रैल तक एंजॉय कर सकते हैं। और रोज़ कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहा है हिंदू टेंपल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी, जो कि कैनबरा में स्थित है। पंडित जी को फ़ोन कीजिए 04202645 78, नहीं तो हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। एंड और संडे को, जी हाँ 14 अप्रैल को सचचंडी यज्ञ का भी आयोजन है, उसमें भाग ले सकते हैं 9:30 से 12 बजे तक। और जैसे मैंने कहा कि नववर्ष आ गया, हिंदू नववर्ष आ गया, तो उगाड़ी है, गुड़ी पड़वा है, और तमिल न्यू ईयर है, पुतंडू, सही मैंने कहा, और बाप रे वो थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया। हमारे साथ डॉक्टर अनु जी हैं, तमिल बोलती हैं लेकिन उन्होंने कुछ बोला, वर्ष पिरुपु है और सोंगकरण है, साथ में वैसाखी है, तो सब की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और साथ में वैसाखी मेला लगने वाला है, जी हाँ वैसाखी मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा हमारे कैनबरा शहर में, तो आप लोग तैयार हो जाइए, वैसाखी मेला आपके कैनबरा शहर में लगेगा, स्टेज 88 कॉमनवेल्थ पार्क में, और ये हो रहा है संडे 14 अप्रैल को दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक। बहुत रंगारंग कार्यक्रम है, वहाँ पे बड़े सारे मल्टीकल्चरल इवेंट्स होंगे, डीजे होगा, आप इन्जॉय कीजिए। साथ में नेपाली, जी हाँ नेपालीज भी न्यू ईयर मनाते हैं 2081, जिसका सेलिब्रेशन ऑफ फायरवर्क्स होने जा रहा है 13th, जी हाँ 13 अप्रैल को, सैटरडे को। इट्स अ फ्री एंट्री, जाइए लिनोक्स गार्डन्स में, जहाँ पे आपको फूड स्टॉल्स हैं, लाइव म्यूजिक है, फूड और डीजे सेशन है, और कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं। तो लिनोक्स गार्डन्स आप जाइए शाम के, जी हाँ व्हाट इज़ द टाइम, इसमें लिखा हुआ फ्लायर में 2 बजे से रात के 10 बजे तक, जी हाँ 2 बजे से रात के 10 बजे तक। तो नेपलीज खाना होगा, नेपलीज बातें होंगी, नेपलीज और नेपलीज कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे, तो आप लोग जाइए इंजॉय कीजिए। तो 13 को नेपलीस नववर्ष, और 14 को जाइए मनाइए वैसाखी मेला। चलिए बातें हो रही थी, जितेंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जी हाँ जितेंद्र जी आज भी एकदम यंग एंड हैंडसम लगते हैं, और हमेशा टिप टॉप रहते हैं, अपने आप को एकदम बोलते हैं ना वाइट शर्ट वाइट पैंट और वाइट शूज़, उनका एक आइकॉनिक ट्रेडमार्क जो क्या कहते हैं उनका ड्रेस कोड होता है वो अभी तक चला आ रहा है।
तो चलिए, बहुत सारे उनके गाने हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं अयोध्या गया, जहाँ लता मंगेशकर चौक गया था, तो लता मंगेशकर जी की याद में वहाँ पे एक वीणा रखी गई है, तो चलिए उसको याद करते हुए, और कैसे भूल सकते हैं कि उनका ही गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गाना है, जो आइकॉनिक गाना है, जो हम सब भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, कि नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। और ये गीत जो लता जी ने गाया था भूपिंदर जी के साथ, वो फिल्म आपको याद है किनारा, जी हाँ, और इसमें थे हमारे अपने, जी हाँ, हैंडसम हंक और जंपिंग जैक जीतू भाई। चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, होते होते वो आवाज और गुलजार जी की आवाज़, तो बस उसके बाद आप लगे रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि चार देवियाँ का इनके सेल्फी रील सब बन गए, बन चुके हैं, मैं इनको और मैं इनको अभी ऑन एयर लेता हूँ, आप लोग लगे रहिए, फेसबुक से जुड़ते रहिए, क्योंकि वी आर गोइंग लाइव सून, और चलिए लगे रहिए तड़का लगा के। इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे।
नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज पहचान है, गल याद रहे। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। जी हाँ, आज तो मैं बनारसी मूड में हूं, बनारसी रंग में हूं, बनारसी ढंग में हूं, होली भी मना रहा हूं, देखिए टोपी, जी हाँ होली वाली, काश मेरे सिर पर फिट होती, लेकिन साथ में मना रहा हूं, जी हाँ, और त्यौहार सारे गुजिया है, और यहाँ काशी की गुजिया है, काशी का मिठाई है, आप लोग और दर्शन दीजिए यहाँ पर, और मैं आपको ले चला हूँ बनारस के धाम, और साथ में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के धाम। जी हाँ, आज पूरा मेला लगा हुआ है, और साथ में आप सभी को क्या कहता हूँ कि हिंदू नववर्ष भी आ रहा है, उसकी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। साथ में गुड़ी पड़वा है, उगादी है, वैसाखी है, आप प्लीज़ तमिल में बताइए, वर्ष पिरुपू या तमिल वर्ष पिरुपुम, और उसके बाद साथ में सोंग करण है, तो जो भी आप मनाते हैं, आप सभी को नेपलीज न्यू ईयर है, उसका भी बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में जी हाँ, साथ में आपको बता दूं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद, और साथ में ईद आने वाली है, या ट्यूज़डे को या वेंसडे को, 10 तारीख को ईद भी है, तो ईद की भी मुबारकबाद। तो चलिए इन त्यौहारों की धूमधाम के साथ मैं ये कहूँगा कि मेरे स्टूडियो में चार चांद खिले हुए हैं। चलिए आपको चार चांद, जी हाँ चार चांद धरती पे उतर आए हैं, जब ईद की बात हो रही है, नववर्ष की बात हो रही है, तो ये लूनर न्यू ईयर की बात हो रही है, तो देखिए चार चांद, नमिता जी हैं, डॉक्टर हैं, सारी डॉक्टर्स हैं, ओ माई गॉड, सारी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर दीपा, डॉक्टर मनीना, डॉक्टर अनु एंड डॉक्टर नमिता जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और इतनी चार खूबसूरत डॉक्टर्स हों, हर किसी का मन करेगा मरीज बनने का। मैं तो बिना मरीज बने ही आपसे बार बार मिलने का आऊँगा। एक तो नब्स पकड़ लेती हैं, खून निकालती कम है, नब्स पकड़ के इलाज कर देती हैं। चलिए साइकेट्रिस्ट हैं आप? यस। डॉक्टर अनु साइकेट्रिस्ट हैं, ये भी साइकेट्रिस्ट हैं, तो अगर आप प्यार में पागल हैं तो दीपा जी या अनु से मिलिए, और अगर आप दिल तो बच्चा है जी, अगर आप बच्चा बनना चाहते हैं तो डॉक्टर मनीना है, बच्चों की डॉक्टर हैं, बाल विशेषज्ञ, बाल बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, चलिए बढ़िया है। तो आप लोग माइक के आसपास आ जाइए और फिर आपसे गपशप होगी। जी हाँ, चलिए आज मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं करेंगे, आज कुछ और रीजन से आप लोग यहाँ आए हैं, तो ये इसका रीजन यही है कि आज खूबसूरती की बात होगी, सौंदर्य की बात होगी, तो बस मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो मनपसंद में। नमिता जी आ चुकी हैं, दीपा जी आ चुकी हैं, मेंटल इलनेस के बारे में हमने बात की थी, नमिता जी ने तड़का लगाया था अपने पति देव के साथ, ये तो हमारी आरजे भी हैं, डीजे भी हैं, इनको टीजे इनके हस्बैंड का नाम है तो बहुत मस्ती की थी हमने, और शी इज एंटरटेनर, लग रहा है डायलॉग भी देती हैं, श्रीदेवी बन के आई थी एक बार, जी हवा हवाई, हाँ न्यू ईयर पार्टी में, न्यू ईयर पार्टी में, तो आज ये लोग हवा में उड़े हुए हैं, तो चलिए इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के बारे में पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग एक सौंदर्य प्रतियोगिता, जैसे कहते हैं ब्यूटी पेजेंट में भाग लेने जा रही हैं, बहुत ही बड़ा है, इट्स कॉल्ड मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड, हॉट मॉन्ड मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन हैं, जो हमारे श्रोताओं को बताइए, व्यूअर्स को बताइए, जो फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे हैं, तो नमिता जी आपसे शुरू करें। हाँ, सो के थैंक यू मनीष जी मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मैं फॉलोअर्स जो फेसबुक पे अभी जब देख रहे हैं लाइव, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम नमिता मित्तल है, एंड बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, पैथोलॉजिस्ट हूँ, एंड आई वर्क एट हॉस्पिटल यहाँ कैनबरा में, मैं लगभग 15 साल से रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं, और अभी लेटेस्ट लाइफ में ये चल रहा है कि मैं हॉट पॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर रही हूँ सीजन 13, जो कि कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका था 1 फरवरी से, जो कि सोशल मीडिया राउंड उसमें चल रहा था। अच्छा,
तो उस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके बारे में कि आप इंडिया में कहाँ से और कब आना हुआ कैनबरा में? तो मैं इंडिया में कोटा से हूँ, राजस्थान से। आपने कोटा का नाम सुना होगा, वहाँ पे मेन कोचिंग सेंटर है इंडिया का, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। आईआईटी की तैयारी वहीं होती है। जी हाँ, मैं वहीं से हूँ और मैं कैनबरा में हूँ 2009 से और ऑस्ट्रेलिया में हूँ 2007 से। जब से मैं कैनबरा में आई हूँ तब से मैंने मेन अपने मेडिकल प्रोफेशन में ही सारा मेरा ध्यान है, उसी पे ध्यान देती हूँ। एंड मैं यानी हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ, बच्चे हैं, एक 15 साल की डॉटर है, ट्विंस हैं जो कि 3.5 साल के हैं। वाह बढ़िया। डॉक्टर अनु, आप कहाँ से हैं और कब आना हुआ कैनबरा, क्यों आना हुआ? ओके, सो पार्डन मी, ना आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, सो माय हिंदी इज कुछ कुछ होता है, सो प्लीज बेयर विद मी। कुंजम 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 कुंजम, Hindi is very konjam konjam. So we have been in Canberra since 2010. So we came to Australia in 2006. I'm a child and adolescent psychiatrist, and I'm colleague and a friend for Dilip. Dilip. I'm always thinking about my husband. So Deepa. I work in private and public. I work 3 days in the public and 2 days in private. And in the private clinic, I share the rooms with Dr. Manina Patak. So, yeah, I have collections everywhere. So, and how I got into this journey, it was a kind of an accident. Me and Manina, we were talking about it in the lunchroom. Yeah. So, yeah, anyway, I'm happy and excited to be here today. Thank you all for this opportunity. आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, हॉट मोंड के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या है ये नया, मैं तो कभी सुना नहीं, 30 साल हो गए कैनबरा में, ऐसा कुछ कंपटीशन या ऐसा पेशेंट आप लोग, और वो भी मिसेज होने के बाद, लोग मिस होते हैं या कहते हैं ना, एक जब आप यंग होते हैं तभी आप इसमें भाग लेते हैं। डॉक्टर मनीना, आप बताइए, आप कब से हैं और? हाँ जी, नमस्ते मनीष जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑल ऑफ अस हियर। सो मैं डॉक्टर मनीना पाथक, मैं यहाँ कैनबरा में 2007 से हूँ, सो ऑलमोस्ट यू नो ऑलमोस्ट 15 साल, लेकिन उसके बीच में मैंने और भी काफ़ी जर्नीज किए हैं। मैं US गई थी कुछ सालों के लिए और एडिलेड में भी रही हूँ, लेकिन 2007 से कैनबरा तब भी मेरा घर है क्योंकि यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं एक डिवेलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ, सो मेरा रोल है बच्चे जिनको ऑटिज़म है या कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है उनको मैनेज करना, और यू नो माय हस्बैंड इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट। मेरी बेटी है 13 साल की, हाई स्कूल जाती है, और अभी तक लाइफ बहुत सेटल रही है, और ये एक नया तरह का अनुभव है जो हम लोग अभी इस रास्ते से कर रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। थैंक यू। आपका अनुभव के बारे में भी जानेंगे, बिकॉज नया तरह का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और आई मस्ट बी, यू गाइज मस्ट बी और गर्ल्स मस्ट बी हैविंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस भी होंगी, डिफिकल्टीज भी होंगी। डॉक्टर दीपा, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, लिसनर्स को अपने बारे में? और डॉक्टर दीपा तो नहीं है, हमेशा मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, प्लस हमारे कैनबरा कम्युनिटी में काफ़ी मेंटल इलनेस के बारे में आप बहुत बात करती रहती हैं, अपने बारे में कुछ और थोड़ी सी और जानकारी दीजिए। सो मेरा नाम डॉक्टर दीपा सिंघल है, मैं ड्यूअली ट्रेंड पीडियाट्रिशियन एंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हूँ। सो मैंने पहले पीडियाट्रिक्स किया UK से, फिर यहाँ पे आके मैंने दोनों ट्रेनिंग की, पीडियाट्रिक्स की और चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट की, एंड उसके बाद मैंने फैमिली थेरेपी की भी ट्रेनिंग की है इटली से, और उसके बाद मैं ओरिजिनली, मेरे पेरेंट्स हरियाणा से हैं तो मैं हरियाणा की बंदी हूँ, पर आई एम बॉर्न धाकड़ हूँ, दंगल मंगल करती हूँ जी। और फिर मेरे बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन कलकत्ता, तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक सिटी से भी हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, तो आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ हरियाणवी एंड अ बंगाली। अच्छा। बट देन आई मूव टू UK, देन यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया आई, हम सिडनी में रहे 6 साल, बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के जॉब के लिए हम यहाँ आ गए। 2013 से हम कैनबरा में हैं, मेरे दो बॉयज़ हैं, एक 14 साल का और एक 11 साल को, तो लाइफ बहुत बहुत कलरफुल है अभी। अच्छा। विथ टीनेजर्स एंड प्री टीन किड, मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा कुछ कुछ नया नया करने का रहता है, मैं ऑलवेज आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, आई ट्राई टू चैलेंज माई सेल्फ, सो आई हैव डन लॉट ऑफ एडवेंचर्स इन माई लाइफ थ्रू आउट, सो दिस इज़ अ न्यू एडवेंचर फॉर मी, हॉट मोंडी मिसेज इंडिया, एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई एम इन्जॉइंग द जर्नी, एंड मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही मेमोरेबल चैप्टर है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके बारे में जानकारी मिली थोड़ी बहुत, और
आज जैसे मैंने कहा मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं होगी और आप वो भूल जाइए, आज मैंने कहा ना कि आज खाली सौंदर्य की बात होगी, खूबसूरती की बात होगी और थोड़ा ये झलकेगा या ब्यूटी झलकेगी हमारे स्टूडियो में। मैं खुद नर्वस हो रहा हूँ, इतनी सारी खूबसूरत महिलाएं, मेरी बीवी देख रही है कि जल्दी घर आओ, अभी बताती हूँ। आज बड़े सज धज के गए थे आज, आज आज मैडम मैं आ रहा हूँ। उन्होंने ब्रेड पकौड़ा खिलाया, सुबह चाय पिलाई, सोचा बड़े कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, लेकर गए और कहीं और पहुंच गए, तो देवियों के मंदिर में हूँ। और चलिए, आप सब भाग ले रही हैं हॉट मॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में, जिसका फिनाले मई में होने जा रहा है, तो उस बारे में जानेंगे। और हॉट मॉन्ड क्या है और इसमें आप क्यों भाग ले रही हैं, क्या बचपन से आपको कोई शौक था जो पूरा नहीं हो पाया, फिर लोगों ने समाज की प्रेशर की वजह से नहीं कर पाई, तो इस बारे में बहुत सारी बातें तो मेरे दिल में तो हैं और लोग दोस्तों आप लोग का सुन रहे हैं, इनके यार दोस्त सुन रहे हैं, फैन फॉलोअर्स सुन रहे हैं, तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, ईमेल मी tadka@radiomanpasand.com, नहीं तो टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 04218980095, स्टूडियो का नंबर है, कैनबरा से सुन रहे हैं तो 6287-4347। और जितेंद्र जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि जितेंद्र जी इज आइकॉनिक, अगर खूबसूरती की बात हो आज भी वो इतने ही हैंडसम और ऐसा लगता है कि यंग है, अभी भी 40s के ज़माने के हैं, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, जिसमें आपका अगर लेडीज़ की बात करें हेमा मालिनी हैं, रेखा हैं, आज भी उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है। और साथ में कैसे भूल सकते हैं हमारे अनिल कपूर, ही इज़ द झकास, तो मेरे भी इंस्पिरेशन रहे। चलिए, बहुत सारी बातें, जितेंद्र की बात हो रही है तो, लेकिन मेरा तो मन कर रहा है कुछ जितेंद्र जी का एक गाना मेरे को याद आ रहा है इन सब खूबसूरती को देखकर, कि हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। और तो चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं, आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, क्योंकि मैं तो इनके साथ करने वाला हूँ ताकि रे। चलिए, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न, तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। एक तो मैं दिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया,
रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आंख उठाना तुम्हारा फिर ठीक था, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाकर झुकाना गजब उठा गया, आंख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आंख उठाकर झुकाना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। बेहोश है आज तो मैं दीवाना गजब उठा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब उठा गया, एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का जी। हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। जी हाँ, मैं खो गया हूँ। जी हाँ, इसीलिए देखा थोड़ा सा गैप आ गया। जी हाँ, साइलेंट हो गया मैं भी। इनकी ये लोग अपने सेल्फी वीडियोस और बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार देवियों की, चार देवियाँ जो मेरे साथ आई हुई हैं और यहाँ रंग जम रहा है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड हॉट मॉन्ट, ये इस बारे में बात करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये बताइए, हॉट मॉन्ट क्या है? व्हाट इज मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो मैंने कभी शायद किसी ने नहीं सुना होगा। नहीं। ये आप लोगों ने थोड़ा सा, ये जैसे मैंने कहा कि छह जो देवियां जो कैनबरा से इसमें भाग ले रही हैं, आप तो चार हैं और दो और हैं, आरजे मनी ठाकुर और साथ में दीप्ति घई शर्मा, उनका भी इंटरव्यू मैं लूंगा जल्दी। तो बताइए क्या है ये हॉट मॉन्ट? इन इट सेल्फ एक ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज़र है जो कि इंडिया में बेस्ड है, गुड़गांव में, और वो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अभी इस वक्त हम जो कर रहे हैं वो सीज़न 13 है, तो वो इससे पहले 12 सीजन्स कर चुके हैं। अच्छा। और ये हॉट मॉन यानी बेसिकली इट्स नॉट बेस्ड ऑन ब्यूटी, कहने को ब्यूटी पेजेंट है, बट मेनली इसमें पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वो ध्यान देते हैं कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को इस जर्नी के दौरान। अच्छा। और उसमें से जो उभर कर आता है फिर उसको वो क्राउन देते हैं। तो इसमें कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया बस इतना है, यू शुड बी मिसेज। तो ये इट्स नॉट फॉर दोज टीनेजर्स, मेनली आप मिसेज होने चाहिए। और उसके बाद कुछ भी ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, या कलर कैसा है, या आपको पहले बैकग्राउंड है आपका, आपने मॉडलिंग पहले करी है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप मिसेज है। और थ्रू आउट आपको वो ट्रेन भी करते हैं, आपके ग्रूमिंग सेशंस भी होते हैं और आप अपने वर्क करते रहते हैं। और फिर उसके बाद आपका मेन जब फिनाले होता है, आपके सारे राउंड्स होते हैं, उसमें आप कैसे निकल कर आते हैं। ओके। उसके हिसाब से होता है। अच्छा, तो कुछ और कहना चाहेंगे मनीषा जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे या? हाँ जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ नमिता ने जो बोला। जब हमने शुरू किया था तब शायद इतना आइडिया नहीं था कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हॉट मॉन ने काफ़ी सपोर्ट किया है हम सबको इस जर्नी में। उन्होंने, उनके सारे ग्रूमिंग सेशंस होते हैं हर सैटरडे को, कभी कभी तो 4 या 5 सेशंस भी हो जाते हैं, तो काफ़ी टायरिंग हो जाता है हम लोग सभी के लिए।
तो ये जो ग्रूमिंग सेशन है वो हमें पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे लिए कोई भी सरप्राइज ना हो वहाँ पे. हमारे कैटवॉक के सेशन सभी चल रहे हैं और इसके पहले हमने इनर ब्यूटी मेडिटेशन के ऊपर भी क्लासेस किए हैं और एक न्यूट्रिशन कोचिंग का भी सेशन था हमारा. और उसके बाद आपके ऊपर है, अगर आप और ग्रूमिंग सेशंस लेना चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है और ऑल्दो ये बहुत ही नई जर्नी थी हमारे लिए, लेकिन तब भी अब मुझे इस समय लग रहा है कि वी आर वेरी वेल सपोर्टेड. अच्छा बढ़िया. तो कोई और बात करना चाहेगा? अनु जी, यू वॉन्ट टू से समथिंग? You can say in English, that's fine. I have to say in English. Yeah. Because if I speak in Hindi, you guys will run away. So, like these beautiful girls already said, I'm so excited to be in this journey. Uh-huh. When I was researching about this journey a little bit, of this beauty pageant, I noted that this was not focusing just on the external appearance. It was focusing on celebrating the inner radiance and the profound transformation. And I was so excited about it. And I thought, okay, I'm someone, like Deepa said, like, you know, up for any challenges. So wanted to challenge myself, uh-huh. push myself out of the comfort zone. Right. Therefore, I kind of registered me for this. And I think Dr. Manina Patak, Manina also played a role in this because we talked about it in our lunchtime. And that's where I ended. And so we are here together as friends, as contestants competing. and hopefully we'll bring the crown to Canberra, at least one of us. That's all it matters. I love your confidence. Bilkul, kyun nahi? Thank you. Hum to jayenge. Jaise main bola, I'm a proud Canberran too. Yes, yes. Canberra, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Aussie bhi, oi, oi, oi. Canberrans bhi, oi, oi, oi. Yeah. Deepa ji, kuch kehna chahenge aap? You want to say something? Yeah, musical chairs chal raha, sorry. Yeah. Shota jo sun rahe hain, because... पहली बार इतना मतलब कहते चार एक साथ ब्यूटी क्वींस आ गई मेरे स्टूडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपका बहुत बड़ा थैंक यू मनीषी, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि हम बात कर सके हॉट मॉन की. तो मेरी पर्सनल जर्नी इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया बिकॉज कुछ सालों से, 20 सालों से बोल सकते हैं आप, कि मैंने अपने प्रोफेशन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, सबको बहुत टाइम दिया, पर मुझे अपने लिए शायद टाइम नहीं मिला. बिकॉज एज अ वुमेन यू ऑलवेज कीप योर सेल्फ लास्ट. सब हो जाता है, खाना बन जाता है, आप क्लिनिक भी चले जाते हो, बच्चे भी सब कुछ चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप खो जाते हो. तो मेरी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी वॉज टू रीकनेक्ट विद माई फ्री स्पिरिटेड दीपा. तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ था, पर जैसे जैसे मैंने हॉट मॉन के बारे में सीखा और जैसे जैसे जर्नी शुरू की, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट कि आप ओवरऑल एज अ लाइफस्टाइल क्या है आपका, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कितना अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए, चैलेंज करने के लिए तैयार हैं. मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं आता था आई थिंक, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे और बहुत कुछ अपने आप को रिफाइन भी किया है. जैसे एक्सरसाइज मेरे बहुत पहले पार्ट था मेरी जिंदगी का, पर अब वो एवरीडे का पार्ट है. वो पहले वन ऑफ होता था, चला जाता था, करते थे, फिर उसके बाद चलो कल से शुरू करते हैं, पर अब ये मेरी जिंदगी का डेली पार्ट है. हेल्दी ईटिंग हैज़ बिकम अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो दिस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मी अगेन एंड रिकनेक्टेड मी अगेन माई सेल्फ. और ब्यूटी पेजेंट बहुत सारे हैं, बट हॉट मॉन्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया टास्क, बिकॉज ये सारे टास्क हर पेजेंट में नहीं देखने को मिलते हैं, और सारे टास्क के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और यूजफुल हैं और इन्फॉर्मेटिव हैं और लाइफ चेंजिंग है. योगा है, एक्सरसाइज है, और आपकी इनर ब्यूटी है, एम्ब्रेसिंग योर फ्लॉज हैं. बिकॉज अगर किसी को लगता है वो परफेक्ट है, आई एम सॉरी, आई थिंक इट्स अ मिथ. मैं भी परफेक्ट भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है. तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल वंडरफुल पेजेंट जर्नी एंड वी ऑल आर एंजॉइंग इट, एंड आई एम श्योर वन ऑफ अस एंड ऑल ऑफ अस विल ब्रिंग डिफरेंट क्राउन्स, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वन क्राउन, देयर आर लॉट ऑफ क्राउन्स, डिफरेंट क्राइटेरियाज, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल ब्रिंग होम क्राउन. थैंक यू. वेल सेड दीपा जी. और हम तो चाहेंगे आप चार या छह जो कैनबरास हैं, और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारी हैं जो सुन रही होंगी, मैं शायद उनको भी फॉलो करता हूँ. शिवाक्षी शर्मा हैं, और शायद एक और देश पांडे हैं, क्या नाम है उनका, पूरा नाम नहीं है, सॉरी मैं गलत आपका फर्स्ट नेम बोल रहा हूँ. तो बहुत सारी हैं जो कैनबरा से नहीं, मतलब सिडनी से हैं, मेलबर्न से हैं, और जो इसमें भाग ले रही हैं, और उनके मैं नाम शायद अगर ढूंढ सकूँ तो पढ़ सकता हूँ. जी हाँ, हैं दीपा सिंगल तो हैं यहाँ पे, दीप्ति शर्मा हैं, और मनी ठाकुर हैं, आदिति देश पांडे हैं,
और लवीनिया दियास हैं, पारुल बजाज हैं, शिवा काशी शर्मा हैं, अमृता अंबिके हैं, नमिता मित्तल जो मेरे साथ हैं, अनुराधा जी भी यहाँ पर हैं, वनी अर्जुना मणि हैं, मनीना पाठक यहाँ पर हैं, वर्षा देसाई है, कशिशा सेठी हैं, प्रिया प्रिया हैं, अभिलाषा शर्मा हैं, सोनाली खड़गे हैं, देयर सो मेनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शायद उनके साथ आपका पूरा रूबरू मिलना होगा। yes. तो चलिए, बहुत सारी आपके सोशल मीडिया पोस्ट मैंने भी देखे अभी हाल ही में, मतलब मैं तो जनरली इंस्टाग्राम पे कम रहता हूँ, लेकिन आपके इंटरव्यू करने के लिए मुझे भी होमवर्क करना पड़ा, मतलब ये हॉट मोड वाले मुझसे भी काम करवा रहे हैं, अरे भैया मेरा तो इंस्टाग्राम छोड़ दो यार। तो हॉट मोड, थैंक यू हॉट मोड। तो और हमने हमारा कैनबरा को आपने लाइमलाइट में लेकर आए हैं, तो वेरी गुड। चलिए हॉट मोड वालों को भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन और भी बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस के साथ कितने और कितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और अभी तक आपने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया है उसमें क्या चैलेंजेस, जो आपने कुछ थोड़े बहुत तो बताए लेकिन उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन और फिर आपकी फैमिली सपोर्ट कैसी है, आप लोगों को मजा आ रहा या कभी लगता होगा कि यार क्या मुसीबत मोल ले ली, छोड़ो इसको छोड़ो, अच्छे खासा हम लोग खाना बना रहे थे, मेडिकल प्रोफेशन कर रहे थे और सडनली ये कहां से बीच में आ गया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं। दोस्तों आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के, क्योंकि ये कह रही हैं आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा नहीं है, जीतने का इरादा है। चलिए लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और साथ में क्योंकि अभी हाल ही में क्या है वुमेन्स डे, और आ रहा है आप लोगों के लिए मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, Thank you.
नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद, आरजे मनीष, आरजे शगुन और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। ओ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तड़का लगा के। चांदनी रात जैसे, नगमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को, मेरे साथ गाइए, तो ऐसा लगा। यहाँ एक लड़की हो तो देखो, चार लड़कियों, चार मेरे चार चार आंखें हो गई हैं, चश्मा लग गया है, मुझे लग रहा है ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा आज। बहुत सारा सौंदर्य देखने को मिला, खूबसूरती देखने को मिल रही है। मैं घर जाना है, मेरी मैडम का मैसेज आ गया, आओ तुम, अभी बताती हूँ। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। जी हाँ, तड़का लग रहा है ब्यूटी का, जी हाँ, ब्यूटी पेजेंट का, हॉट मॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का, क्योंकि मेरे साथ जैसे कहता है कि ब्यूटी क्वींस कह दूंगा, ऑलरेडी आपको क्राउन मिल चुका है। पार्टिसिपेशन इज बेटर देन विनिंग द क्राउन, क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार आप लोग भाग ले रही हैं तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को। लेकिन मजा के साथ साथ आप लोगों को, जैसे कहा, आपकी सोशल मीडिया रील्स भी बनानी पड़ती हैं, और हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया टास्क होता, कितना क्रिएटिव माइंड आप लोग का घूमता होगा। और कभी आपने इंस्टाग्राम पे आप लोग रील्स बनाई है, पहली बार ऐसा कुछ करने को मिला है कि सर? मनीष जी, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो सोशल मीडिया टास्क है हॉटमॉन का, ये अपने आप में मुझे एक बहुत मॉडर्न और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि कभी इस पेजेंट में क्या है कि हम लोग घर बैठे बैठे एक अपनी पर्सनालिटी का एक फ्लेवर उनको दे रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस का, हम किस तरह के हैं, एक उनको अपने आप एक हमारा फ्लेवर मिल चुका है ऑलरेडी हमारे टास्क के थ्रू। तो ये टास्क शुरू हुए थे हमारे फरवरी से। उससे पहले हमारे एक अच्छा ओरिएंटेशन उन्होंने दिया, जिसमें हमको उन्होंने बताया क्या क्या टास्क दिए जाएंगे। सो एक टास्क होता है 6 दिन का, उसके बाद हमको ब्रीदर टाइम मिलता है कि आप थोड़ा सांस लीजिए, शांति रखिए, फिर वापस से स्टार्ट योर रन, अच्छा। अपना मैराथन स्टार्ट कीजिए। तो अलग अलग टास्क दिए हुए हैं उन्होंने हमको, जैसे शुरुआत हुई थी एम्ब्रेसिंग योर फ्लॉज, वैलेंटाइंस वीक में उन्होंने पेंट द टाउन रेड दे दिया, तो वो थोड़ा फॉलो करते कि आसपास क्या चल रहा है। जब होली थी उन्होंने दिया रंग बरसे, अच्छा। और एक बहुत अच्छे अभी जैसे करंट टास्क हमारा चल रहा है, अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हो, तो क्लाइमेट एक्शन, जिसमें कि हम लोग यानी वी जस्ट प्रमोट एंड वी जस्ट टॉक अबाउट कि भाई हमको किस तरह से हम अपने क्लाइमेट को हम वी कैन लुक आफ्टर इट। ऐसे एक बहुत अच्छा टास्क हमने किया था, एंड पीरियड स्टिग्मा। सो टास्क उन्होंने जो हमको दिए बहुत अच्छे दिए, और एट द सेम टाइम दे एक्सपेक्ट अस कि हम रोज़ एक रील उस टास्क से रिलेटेड हम डालें, पोस्ट उससे रिलेटेड डालें, और हर रील या हर पोस्ट अपने आप में क्रिएटिव होनी चाहिए। हम बार बार एक ही बात को नहीं कह सकते, अच्छा। क्योंकि ये अपने आप में एक राउंड है जिसकी 60% वेटेज है। ओ, ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, तो इसके हमको पॉइंट्स हैं, उन्होंने मतलब जैसे बच्चों का होमवर्क होता है, हाँ, क्रेडिट रेटिंग्स जैसे, यस, बाकी फाइनल एग्जाम के तो पॉइंट्स कम है, हाँ। लेकिन तो इसी तरह से वो अपना कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं कि 60% सोशल मीडिया टास्क, और सोशल मीडिया टास्क ये जो है यानी काफी अच्छे अच्छे उन्होंने हमको ये टॉपिक्स दे रखे हैं, क्या बात। और इसके थ्रू आई थिंक जैसे हर टास्क में आपको उन्होंने हमको पहले सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है वो भी सिखाया, अच्छा। हमारे 2 सेशंस हुए, क्योंकि हम जैसे मैं नई हूँ इस चीज़ के लिए, मैंने पहले कभी इतनी रील्स नहीं बनाई जिस तरह से अभी बना रही हूँ, तो थोड़ा पता लगाना पड़ता है कैसे आप करते हो। तो जो ग्रूमर्स होते हैं हमको बताते हैं कि आप कौन सी ऐप्स यूज़ कर सकते हो अपना टास्क बनाने के लिए, क्या आप किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और आपको अच्छे से ड्रेसअप भी होना है टास्क करते वक्त, आपका मेकअप भी ऑन होना चाहिए, अच्छे से वेल ग्रूम्ड आप होने चाहिए, और वी शुड बी प्रमोटिंग व्हाट यू आर डूइंग उस टास्क के थ्रू। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज था, पहले कभी लाइफ में ऐसा किया नहीं, और टाइम कंज्यूमिंग है।
कुछ और ऐड करना चाहेंगे मनीना जी? आप हाँ जी। कि आपके लिए भी ये चैलेंज था, कभी इंस्टाग्राम पे आप रही हैं या नहीं? मैं मेरा नया कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, जनवरी को मैंने अकाउंट खोला, हैंडल नया नया पकड़ा। हाँ जी, इंस्टा अकाउंट जनवरी में खोला और उसके बाद जब यू नो एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि आई एम श्योर हम लोग सारे के सारे काफ़ी प्राइवेट पीपल रहे हैं अपने प्रोफेशन और अपने फैमिली में इन्वॉल्व्ड, जब शुरू में किया और सडनली इतने सारे फॉलोअर्स बनने लगे और उसके बाद कमेंट्स आने लगे, तो एक थोड़ा सा यू नो डर लगा कि ये क्या हो रहा है, यू नो व्हाट आर वी गेटिंग इनटू। तो इट टुक सम टाइम टू गेट बेटर विद दैट। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी यूनिक चैलेंज। और मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया टास्क है उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कुछ कुछ सोशली ओरिएंटेड मैसेजेस होते हैं और उसके बाद कुछ फन मैसेजेस होते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट वीक का जो टास्क है वो है यू नो बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में, सो दैट विल बी फन। और इस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी डेवलप हो रही है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो रहा है, हमारा रिसर्च जो हो रहा है, जैसे मैंने जो जितना रिसर्च किया है पिछले 3 महीने में वो बहुत ही हाँ। तो और उसके बाद हर रोज़ अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना, आई थिंक वो एक चीज़ है जो मैंने फील किया है इस जर्नी के साथ। और इसीलिए ये जो पेजेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक ग्लैमर और ग्लिट्स के आप वर्ल्ड में जा रहे हैं और आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, यू आर एक्चुअली डेवलपिंग योर पर्सनालिटी। खाली रैंप वॉक करना है, हाँ जी, मेकअप लगा के मतलब मॉडल बन के रहना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और वो मेरा सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक प्लेटफॉर्म यू नो एक प्लेटफॉर्म जो आपका पर्पज़ है ज़िंदगी का या आपके काम का, उसको और एक ब्रॉडर जगह पे यू नो शो करना। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अमेजिंग अमेजिंग। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, तो दीपा जी भी एडिट करेंगे, लेकिन आप दोनों की, नमिता जी और मनीना, आपकी तो टीनेज डॉटर्स हैं, कभी नहीं बोलती मम्मी ये क्या कर रही है, ये तो मेरा काम है इंस्टा पे रहना। इनके तो बेटे हैं, इनको तो फर्क नहीं पड़ता है, बेटे तो उनको इंस्टा है फेसबुक से मतलब नहीं है। तो कभी आपकी बेटियां नहीं कहती हैं? नहीं, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। मम्मी शर्म तो करो इस उम्र में। नहीं नहीं, उम्र की तो कोई बात ही नहीं है, तो यंग ही है। मैं तो और तभी तो उन्होंने हमको सेलेक्ट कर रखा है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्राइटेरिया ही क्राइटेरिया ही उनका ये है कि आप मिसेज होने चाहिए, तो हम टीनेज तो उनका क्राइटेरिया भी नहीं है। और टीनेज जितने भी कंटेस्टेंट है सबके बच्चे हैं, तो सबके बड़े बड़े, किसी के बड़े बच्चे, किसी के छोटे बच्चे, हर तरह के हैं। और बच्चे यानी मेरी डॉटर ने तो हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी कभी वो मेरी वीडियो भी ले लेती है तो हेल्प भी कर देती है, तो कभी उसने क्वेश्चन नहीं किया क्यों कर रहे हो आई थिंक। और उसके लिए भी एक अच्छा लेसन है मेरी डॉटर के लिए कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक मदर बन के या डॉक्टर बन के मत रहो, हर चीज़ करो, तो आगे चल के वो भी ये सीख रही है कि मम्मी सिर्फ मम्मी नहीं होती है, मम्मी की भी एक लाइफ होती है। क्या बात है, क्या बात है, वेल सेड। क्योंकि ये तो है ही, खाली खाना बनाना और घर का देखभाल करना। अनु जी, आपके कितने बच्चे हैं? एंड I have two kids, a 14-year-old, a teenage, a boy, and a 9-year-old daughter. Boy ko to bol jaiye, wo to. No, the moment I take the phone, they kind of, they run away from me, because they say, mommy is going to ask us to take photos. So, but they're getting there. So, unko kuch pocket money de dijiyega. No, I have. Sab Indian khoon hai, jab tak bribe nahi denge. So, I did pay him $50. Oh, wow. मम्मी जी आप मेरे को बेटा बना दीजिए। yes, yes, yes. मैं आपके अच्छे अच्छे वीडियोस ले लूंगा। Because I had to, my husband, he does not like to be in the photos, okay. Does not like to click photos. So I'm left with selfie stick or, you know, but then sometimes you need somebody to take the photos. Right. So I have to rely on my kids. Okay. So both of them are getting, you know, tolerant of their mom who runs behind the cameras. So it is good. It's been really good experience, especially those tasks, like these girls said, it's really like I've never thought about these things. It's more informative, pushing me to kind of, okay, I need to read about this bit more. And so if one particular task, that end period stigma, I've never ever sat down with my son, 14-year-old, to talk about periods. So where I sat down with him, and I don't think I would not have got that opportunity. Like, I would have, but then to sit with him and, you know, this is what it is. And we enjoyed that process. And with this climate action, with my 9-year-old, I asked her to, we talked about global warming, and then she did a reel for me. So, yeah, I was taking a little bit of breather that day. So, so I needed somebody. So, dono bachon ko 100 out of 100 milenge in dono topics pe. Kya baat hai. Deepa ji, you want to add something ki aapko reels banane mein maza aa raha hai? Aap to khud hi superstar hain. Hamesha
जहाँ जाती है डांस करने लग जाती है, मूड में आ जाती है. इनके पति देव इनको साथ नहीं देते हैं. कोई बात नहीं. I have seen them in the videos. बेचारे बड़े मन मना के कहाँ दीपा फंसा रही है. तो are you enjoying it? No, Romil, बिल्कुल मतलब डांसिंग पर्सन नहीं है. मैं बहुत ज्यादा डांसिंग पर्सन हूँ. आपके अंदर तो भरा पड़ा है, डांस निकल जाता है. जैसे गाना बजा डांस निकल जाता है. और आप अंताक्षरी भी बड़ा अच्छा खेलती हैं. थैंक यू सो मच. बट हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि मेरी जो उड़ान है वो उसको डायरेक्शन वही देते हैं. अच्छा. तो आई थिंक वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एज अ कपल. तो सोशल मीडिया टास्क के लिए आई थिंक एज एवरीबडी सेड सब कुछ नया था. मैंने ऑस्ट्रेलिया लॉन्ग वीकेंड में अपना ये अकाउंट खोला और मुझे सोशल मीडिया की सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ. स्टार्टिंग फ्रॉम अजीब अजीब से मैसेज से लेके अकाउंट हैक हो जाना. और आई थिंक जब अकाउंट हैक हुआ ऑलमोस्ट 2 weeks अगो, माई ओल्डर वन 14-year-old, ही वॉज ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम सेविंग माई अकाउंट. द हैकर वॉज ऑन द सेम टाइम ऑनलाइन ट्राइंग टू हैक माई अकाउंट कंटिन्यूअसली. सो आई थिंक this is the first time to my 14 years old start for 2 hours saved my Instagram account. I'm really blessed with that, and I think it's I'm really grateful to him that he otherwise even he will never say mama kahan ja rahe ho hotmart mein fir chal rahe ho acha hotmart fir chale ja rahe ho ghar pe to baitho ghar mein mere ko roti sabzi to bana ke bhookh lag rahi hai mama hotmart wale aapko khana nahi denge khali crown denge lekin khana to aap hi denge sahi baat. unhone mujhe meri us journey ko dekha hai kitna intense hai. to jab last week jab mera account hack hua usne 2 ghante पूरी कोशिश करके मेरा अकाउंट बचाया. तो दे आर ऑल्सो लर्निंग एंड दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग इन एवरी वे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बढ़िया. आप लोगों को फैमिली सपोर्ट मिल रहा है और इस बारे में और जानेंगे कि कैसे आप लोग बैलेंस कर रहे हैं. बिकॉज आप लोग फुल टाइम जॉब भी करते. मेडिकल प्रोफेशन इज ए टफ जॉब. पेशेंट से मिलना और स्पेशली आप मेंटल हेल्थ है या बच आप लोग खुद एकदम ड्रेन्ड आउट हो जाते होंगे एट द एंड ऑफ द डे. फिर उसके बाद फिर रील्स बनाना और कैमरे में स्माइल करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. चलिए इस बारे में बातेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. आप ही लोगों की वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो एक प्यारा सा गीत मुझे याद आ रहा है. दिल है छोटा सा छोटी सी आशा. जी हाँ. चलिए ये प्यारा सा गीत है. लगे रहिए आप लोग. दोस्तों कहीं जाएगा मत. हम बात कर रहे हैं हॉटमॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड और उसमें जो भाग लेने वाली हमारी 4 सुंदरियाँ हैं कैनबरा की. डॉक्टर नमिता हैं, डॉक्टर अनु हैं, डॉक्टर मनीना हैं, डॉक्टर दीपा हैं. आप लोग कुछ कहना चाहें कहलवाना चाहें प्लीज फोन कीजिए 04218898. इनसे कुछ बात करना चाहें नहीं तो इनको फॉलो कीजिए. हमारा फेसबुक पेज पे जाइए. वहाँ पे इनकी फोटो हैं, प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं. वहाँ पे सारे इनके हैंडल ही बोलते हैं. जी हाँ. हैंडल को देखिए. इंस्टाग्राम को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए. बताइए कैसा चल रहा है इनका ये जर्नी. और वी वॉन्ट अ कैनबरन टू टेक द क्राउन. हॉटमॉन्ड वालों सुन लो, कैनबरा आ रहा है. मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा. दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा. दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा. छोटा सा छोटा
मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा जी हाँ, इनकी आशा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और हम तो आशा ये कर रहे हैं कि सीधा क्राउन एक लेकर ही आ जाएं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया आएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, हॉट मॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। और इसमें बात करने के लिए डॉक्टर नमिता हैं, डॉक्टर अनु हैं, डॉक्टर मनीना हैं, डॉक्टर दीपा जी हैं। और बहुत सारी प्यारी बातें हो रही हैं। ऑफ एयर ज़्यादा हंसी तड़का लग रहा है, भूल जाते हैं कि खो जाते हैं गाने में। और इनकी जो रील्स और फोटो बन रही है ना, मैं तो देख के दंग रह गया हूँ। मैंने 20 साल से रेडियो किया, लेकिन इतनी सारी फोटो वीडियोस आज तक कभी नहीं बनी है स्टूडियो में आके। और इतनी मस्ती कर रहे हैं आप लोग, दैट्स द वे यू शुड एंजॉय द जर्नी। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग रेडियो से तो जुड़े हैं, मैं तो अभी बताऊंगा, लेकिन जो जो इससे जुड़े हुए हैं, जी हाँ, फेसबुक से। जी हाँ, लाइव वीडियो गया है। थैंक्स टू फरजाना जमील, थैंक यू, देख रही हैं। मैरी पीटरसन हैं, सुधांशु वचस्पति हैं, जेटन आर्यन हैं, चंदन गुप्ता जी बरेली से हैं, अनुराग जी लगे हुए हैं, थैंक यू सो मच। और साथ में हमें भेज रही हैं शुभकामनाएं बहुत सारी। जी हाँ, कह रहे हैं जयेश मेहता जी, कह रहे हैं जय श्री राम मनीष जी। प्रिया बद्री नारायण कह रही हैं जय श्री राम मनीष जी, जय श्री राम आप सभी को। जैकी आचार्य देख रही हैं, क्या बात है। विवेका सूद लगे हुई हैं। संगीता रामन है, वैष्णवी मुरलीधरन है, बदलानी राजकुमार ऑल द वे फ्रॉम अमरेली, ये हमारे बड़े जबरा लिसनर हैं। हरिमोहन गुप्ता जी जयपुर से सुन रहे हैं, क्या बात है। और साथ में पमिता जी हैं, दीपा दीक्षित हैं, मंजू गुप्ता फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम न्यू जर्सी, नहीं बॉस्टन से, जी हाँ बॉस्टन से सुन रही हैं। अविनाश शास्त्री हैं, सोनिया वालिया हैं, जी हाँ सोनिया वाली इज ऑल्सो डाइटिशियन, यहाँ पर हैं, उनका इंटरव्यू किया, वो भी सुन रही हैं। संतोष नागाया हैं, प्रियंका सचदेवा हैं, सुभाषनी शेखर जी हैं, और साथ में प्रीति हैं एंड सौरभ एंड शगुन हैं। साथ में व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, हमारी आरजे मनी थोड़ी सी नाराज लग रही हैं, कह रहे हैं आप तो आज ब्यूटी क्वीन से सराउंडेड हैं, हमें तो भूल ही गए। मनी जी आपको कैसे भूल गए, देखिए चार चार गवाह हैं, मैंने एक नहीं चार चार बार नाम लिया है, हर नाम के आगे मनी का पहले लगाया है ना, क्योंकि वो मनी है। जी हाँ मनी है। मनी ठाकुर जी आपकी सीट बरकरार है, और आपका भी एक जल्दी से साक्षात्कार होगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो तैयार हो जाइए, इंटरव्यू क्वेश्चंस लीक नहीं होंगे। तो मनी आपको याद कर रहे हैं। जी मनी ठाकुर भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और साथ में दीप्ति घई शर्मा जी भी हैं। और साथ में
हमें याद कर रहे हैं। जी हाँ, चंदन गुप्ता जी तो फिर से बार बार लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, वी आर हेयरिंग संजू, चंदन एंड चिंटू बरेली से जितेंद्र के सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कितना प्यारा वादा फ्रॉम कैरावा कारवा 1971 में। और डियर सर, आप रेडियो जॉकी नहीं रहते तो एक अच्छे ट्रैवलर जरूर रहते। क्या बात है, गुड एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो अयोध्या और बनारस में ले गया। चलिए और बोर्ड के वापस आ जाते हैं, ये तो हमारे लिसनर्स फॉलोअर्स दुनिया भर से सुनते हैं और थैंक यू जो भी लगे होते हैं। और इसका मैं बता दूंगा, अगर आपने लेट ट्यून किया है, क्योंकि समय 11:30 बज रहे हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, घड़ी तो थोड़ी आगे चल रही है, तो डेलाइट सेविंग भी हो गया, तो फिर से रिमाइंडर कर दें, डेलाइट सेविंग एक घंटा घड़ी पीछे कर लीजिए, और बहुत जरूरी है। एक तो हाथ की क्लॉक्स तो आजकल स्मार्ट वॉचेज आएंगे, लेकिन कार की क्लॉक्स अभी भी वैसे ही है, अपने आप नहीं होती है, पता नहीं क्यों। चलिए और भी क्या बात कर रहे थे, हॉट माउंट पे आ जाते हैं। जी हॉट माउंट की बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने रील्स बनाई, तो मैंने जैसे कहा कि इट मस्ट बी ए टफ फॉर योर डेली रूटीन से हट के कुछ अलग करना। आप लोग चारों ही डॉक्टर्स हैं, बहुत हैक्टिक रहता होगा, पेशेंट से परेशान, घर से परेशान, यहाँ सा घर का भी काम करना है, तो कैसे आप लोग बैलेंस करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, और पति भी को भी परेशान करते होंगे। हाँ जी, लेट नाइट लग रहा है, कोई सोता भी नहीं होगा। सही बात है बिल्कुल बनीशी, अभी थोड़ी सी नींद कम है। और मैं बिल्कुल फुल टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी वो थोड़ा सा मुश्किल रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि जल्दी से अपना क्लिनिक ख़त्म करो, 5:30 अक्सर लेट रन करता है और बहुत बिजी जाता है, मेंटली बिजी जाता है, उसके बाद भागो फिर एक फ़ोटो शूट करना है या कुछ करना है, सो इट हैज़ बीन टायरिंग। बट ओवरऑल शुरू में जब ये जर्नी शुरू हुई थी तो इट वॉज़ वेरी अनोइंग, लेकिन आई थिंक अब 1-2 महीने के बाद उस रिदम में आ चुके हैं, सो अब अनोइंग नहीं लगता, अब काफ़ी मस्ती हो रही है साथ में, काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ गई है। पहले इंस्टाग्राम की रील में 5 घंटे लगते थे, 1 या 2 घंटे में, सो एफिशिएंट, सो वी हैव, आई थिंक आई हैव बिकम वेरी एफिशिएंट। सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, अपने पास टिक करते जाते हैं। चलिए, जो चीजें पहले स्ट्रेस देती थी वो अब उतना स्ट्रेस नहीं देती। पहले मेकअप, यू नो, जब हमने शुरू किया तो हमें लर्न करना था स्मोकी आई का मेकअप, तो मेरी और दीपा की एक बार बात हुई थी कि स्मोकी आई का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझे। इस तरह से, और बड़ा अच्छा रहा है क्योंकि हम चारों हैं, हम चारों बात करते हैं, तो जब भी कुछ होता है वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, सो इट हैज़ बीन गुड। यू नो, ओवरऑल बहुत हेक्टिक रहा है, बहुत हार्ड रहा है, आई थिंक काफ़ी सदियों के बाद हमने इतना हार्ड वर्क किया है, बट इट्स पेइंग ऑफ नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, इट मस्ट बी, बिकॉज इट्स अ वेरी चैलेंज है, क्योंकि आप लोग मदर भी है, वाइफ भी है, डॉक्टर भी है, बहुत मुश्किल होता होगा। दीपा जी, आपके लिए भी इट्स अ चैलेंज, आप मेंटल इलनेस लोगों का ठीक करती है, लेकिन खुद तो मेंटल तो नहीं हो रहा है। एक पिक्चर याद आ रही है मेरे को राजेश खन्ना वाली, जिसमें नर्स राजेश खन्ना को ठीक करती है, खुद मेंटल हो जाती है। खामोशी तो ऐसा कुछ तो नहीं हालात है कि नहीं, थैंक यू, आपको दूसरे मेंटल डॉक्टर के पास जाना पड़ा अनु से। मैं इनसे रेगुलर बात करती हूँ, फोन कॉल करती हूँ, नमिता तेरा कैसा जा रहा है, अच्छा मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। डीप और मैं हर तीसरे दिन एक दूसरे को फोन जरूर करते हैं, अच्छा कि क्या हालत है, एक दूसरे को सपोर्ट भी देते हैं। वेरी गुड, बहुत सपोर्ट देते हैं। जो 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 बनाती हैं रील्स या जॉब करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलके करती हैं, नोट्स चीटिंग होती है, अगर सब इतने सारे बिजी है ना काम करने के बाद, वो रील बनाना एक रिदम में है, उसके बाद जब सांस मिलने की जरूरत, मतलब जब टाइम मिलता है और फिर जब लगता है कि आप क्या कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट दैट वी हैव सपोर्ट फॉर ईच अदर। और मतलब हम सब बिजी हैं, सबके बच्चे हैं, सबका काम फुल टाइम है, एंड आई एम श्योर देर आर डिफरेंट लाइक एक्सीडेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरीबडी हैव, कि कभी कुछ हो गया फैमिली में, कुछ हो गया या फिर आपके फ्रेंड्स में कुछ हो गया, या फिर कुछ भी हो सकता है लाइफ में, इसका ये तो एक सेट टास्क है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट आई थिंक वी ऑल ऑफ अस, जितना भी हम एक दूसरे को जानते हैं, वी ऑल अप फॉर चैलेंज, और हम एक दूसरे, हम अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं सबको, और आई थिंक वी ऑल हैव इनिशियली वी लर्न फ्रॉम द प्रोसेस, but I think we are enjoying it in the sense that it's fulfilling somewhere to all of us. So we are, I think we are that kind of people also. So I think I'm enjoying it. Anuji, आप लोगों ने साथ मिलके, did you plan together कि हम लोग इसमें भाग लेंगे या आपको पकड़ लिया मनीना ने, हम तीन तो हैं, तुम भी आ जाओ। I think it's kind of we talked about it in the lunch room, and I asked her, "Are you going to do it? If you're going to do it, I will do it." Yes. एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। Yes, indeed. Yes, and it
it has been challenging, I should say, because we are all time poor, and we were time poor, and we are time poor, and I am time poor. Absolutely. I'm working on it. It's about the balance for anything, I think. Yeah. So it's juggling things, work, home, on top of this, you know, doing all these reels. And I'm glad we have a guest room, a bedroom in my house, because I've taken over that. Because I cannot sleep in our bedroom, because all the time I'm doing things. Something. It's like, okay. So I've taken over the guest bedroom, and that's where I am. Sleep is a little bit less now, but that's okay. I think the success is not an accident. Absolutely. It always involves lots of hard work, perseverance, and you know, doing what you want to Absolutely. Do and the love for it. Absolutely. So yeah, here we are, you know, working every day. So it has to be paid off by, you know, with all our hard work, with all the votes from you people. Yep. So remember to cast vote for us. Mrs. India Worldwide, that popular video is going to come up. Yes. So hit all the thumbs up and comments and everything for us. Namita ji, aap kuch relax, aap log karte hain kabhi jaise room band karke, bhaiya mujhe chain se baithne do, thoda yoga karun, meditation karun, kyunki bahut ho gaya. Manish, yani ek इस जर्नी में एक चीज़ अच्छी है कि फिटनेस पे ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अच्छा. तो मेरा यानी जो पहले टाइम स्पेंड में जिम में जो मैं करती थी हफ्ते में 2 बार चले गए, वो अब हफ्ते में 4 बार हो रहा है, या घर पर 4 या 5 बार हो रहा है. तो टाइम उसके लिए भी निकालना पड़ता है, टाइम बच्चों के लिए निकालना पड़ता है. मेरे ट्विंस हैं, 3 बच्चे हैं घर में, और वर्क तो चल ही रहा है, किचन है, सब कुछ है. तो इसमें टाइम मैनेजमेंट इट्स प्लेइंग अ बिग रोल. लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि उनके जो हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ग्रूमर्स जो होते हैं, वो हमको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं कि आप एफिशिएंटली हर चीज़ कैसे कर लो. तो जैसे एक बार किसी ग्रूमर ने हमें बताया था कि वो एक ही दिन में सुबह मेकअप करती थी, 4 रील फटाफट कपड़े चेंज कर करके बना लेती थी. तो विच आई फॉलोड पर्सनली, जो ब्रीदर टाइम होता है, मैं उसमें जैसे अभी जो क्लाइमेट एक्शन हमारा चल रहा है, इसकी रील्स में ऑलरेडी मैंने पिछले ब्रीदर टाइम में बना ली थी 6 की 6. तो मैं ये करती हूँ, मैंने बना ली, वो एडिटिंग धीरे धीरे चलती रहती है. लेकिन रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलता, रोज़ रोज़ यहाँ सन नहीं निकलता, बारिश हो जाती. तो आपको थोड़ा वो कैलेंडर में भी वो देखना पड़ता है कि किस दिन सन है, वीकेंड पे सन है या नहीं है. क्योंकि डे टाइम में आप रील बनाओ तो आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, आपकी लाइट्स उसमें अच्छी होती हैं. तो मेरे को वो एक टिप बहुत अच्छी लगी जिसको मैं फॉलो करती हूँ, और इससे आपका क्या, आपका टाइम भी बच जाता है. लेकिन हाँ, डेफिनेटली टाइम बहुत इस चीज़ में जाता है, धीरे धीरे सीख रहे हैं. बहुत सारे इंस्टाग्राम हैक्स होते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे इंस्टाग्राम हैक्स होते हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिसको आप यूज़ करके आपका टाइम बहुत बचा सकते हैं इन रील्स. अच्छा. को करने के लिए. तो आप यानी जितना आप इसको करते जाएंगे, आप उतना सीखते जाएंगे, उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे, एफिशिएंट होते जाएंगे, और आप खुद मज़ेदार भी होते जाएंगे. आप इसको इन्जॉय करने लगेंगे राधा कि वो आपका एक टास्क है. तो यानी इस जर्नी की एक चीज अच्छी है कि हर चीज, हर चैलेंज अपने आप में एक वो बन गया है कि अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और बहुत मजेदार अपॉर्चुनिटी जिसको ना एंजॉय कर रहे हैं. चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों से बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी बातें कर रही हैं. लेकिन इट्स टाइम टू, बिकॉज गर्ल्स इतनी प्यारी हैं, तो टाइम टू स्विंग, गर्ल्स लाइक टू स्विंग. चलिए एक डांस हो जाए, आप लोग एक डांस सेशन भी चेक करते हैं, बिकॉज It's time to swing. Girls like to swing. चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के. जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो. गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो. इन सब के है मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है, इन आंखों में दिल में है क्या अरमान. Girls like to swing.
खड़ी जश्न हो गीतों की बरसात हो गाए पल पल ये जिंदगी पिघले पिघले तन बदन खोया खोया सा हो ये मन छाए छाए हो दिलकश Girls like to swing, यहाँ तो swinging क्या डांस हुआ, बहुत अच्छा डांस सेशन जी हाँ, इसका वीडियो बन चुका है और जल्दी हम शेयर करेंगे अपने YouTube चैनल पे, तो लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के, हमें बहुत काफी देशों में सुना जा रहा है, इंडिया, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया में तो है ही, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, इसराइल वाले कोई बैठे सुन रहे हैं, मलेशिया, पाकिस्तान एंड नीदरलैंड्स में, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. और चलिए बातें हुई, बहुत बढ़िया बातें, लेकिन अब बात करते हैं फिनाले की. फिनाले में होता क्या है, क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग की, और व्हाट इज द राउंड्स, खाली रैंप वॉक है या कुछ और भी है, और कितने कब, एक तारीख, एक मई से, एक मई से छः मई तक हम लोग दुबई में होंगे. हम सब 30 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं, एक अच्छा. तारीख को वहाँ पहुँच रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने हर दिन का एक अपना एक आइटनरी बना रखी है, हर दिन का एक शेड्यूल है. सो उन्होंने उनके हिसाब से जो वहाँ पे हम रहेंगे उसकी 20% वेटेज है जिस जो हम वहाँ पे करते हैं. फिनाले जो इट्सेल्फ है 6 तारीख को है उसकी फाइनल 20% वेटेज है. सो 60% हमारा सोशल मीडिया टास्क है, 20% वहाँ जो 5 दिन होगा, और फिनाले वाले दिन का 20% वेटेज. इस तरह से उन्होंने हमारी हर चीज़ की वेटेज बना रखी है, और हर दिन का हमको एक टास्क दे रखा है, वहाँ पर भी हर दिन का एक लुक दे रखा है. अच्छा. वो हमको उन्होंने जिस उसको कहते हैं लुक बुक उनके उस लैंग्वेज में जो कि हम सबको मिल चुकी है, और हर दिन की हमको कॉस्ट्यूम्स रेडी करनी है. किसी किसी में हम लोगों को रैंप वॉक करनी है, लेकिन किसी किसी में बस होगा कि कुछ फोटोशूट होगा एंड देन वी जस्ट हैव टू प्रोजेक्ट आवर सेल्फ. एक उनका एक सेमीफाइनल राउंड है जिसे टैलेंट राउंड उन्होंने उसका नाम दिया हुआ है, जो कि 5 तारीख को है, एक दिन फिनाले के एक दिन पहले. तो उसमें उसकी भी तैयारी चल रही है, तैयारी में यानी बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि सारे आपको कपड़े रेडी करने हैं, सबके ऑल्ट्रेशन होंगे, सबकी ज्वेलरी चाहिए आपको, जो जिसका भी एक सेट कलर है. अच्छा. हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं पहन सकते, हर चीज़ का एक सेट कलर है, शूज़ का भी एक सेट कलर है जो कि हमको पहनना है, और एक वहाँ पे एक तिरंगा फोटोशूट होगा जिसमें कि कोई वाइट साड़ी पहनेगा, कोई ऑरेंज पहनेगा, कोई ग्रीन पहनेगा, सबको एक कलर कोड भी दे रखा है. तो बहुत स्ट्रक्चर्ड है जो वहाँ के हमारे 6 दिन निकलेंगे. अच्छा. बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, उसकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग है उनके लेवल पर, और वहाँ पर ज्यूरी होगी जो कि हमारे साथ हमेशा होगी, और यानी साथ में कैजुअली भी होगी, और एज अ जज वो सामने भी बैठा करेंगे, और उस हिसाब से हमको फिर मार्क्स या पॉइंट्स दिए जाएंगे. तो उसकी यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है, यानी सोशल मीडिया डाल जितना बड़ा था उतना ही बड़ा उनका फिनाले वीक होगा. तो एक्साइटेड है, नर्वसनेस हो रही है कि फाइनल एग्जाम पे पहुंच गए. सोशल मीडिया तो ठीक है, चलो बन रहा है, अकेले में बन रहा है, लेकिन मनीना जी, आर यू एक्साइटेड? क्या शॉपिंग वॉपिंग हो गई है, जूते की, ड्रेस की, मेकअप की, जो आपने बोला मेकअप करना वाज टफ टास्क फॉर यू? हाँ जी, हाँ जी. तो शॉपिंग, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काफी चीजें आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलती नहीं है. सो उसको बहुत पहले से प्लान करके और ऑर्गेनाइज करके और जितने भी लुक बुक्स हैं, तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने प्रोवाइड की है, तो आप उनके ग्रूमर से आप सेशन ले सकते हैं, और फिर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसको. लेकिन बहुत बार आपको अच्छा ये पसंद नहीं आया, फिर दूसरा पसंद करो, लाइक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ मिलेगा आपको, सो उसको फिर आइडेंटिफाई करना. तो बहुत लक की बात है कि मेरे इन लॉज अभी आ रहे थे, तो आपने पूछा इन लॉज के सपोर्ट के बारे में. हाँ. तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे वो सामान लेकर आया, उनका एक सूटकेस मेरे सामान से भरा हुआ था. सो इस तरह का सपोर्ट जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है, जो भी इंडिया में है रहते से बात करना. एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि ये एक ब्यूटी पेजेंट है, बट इसके पीछे एक सोशल कॉज भी है. उन लोगों ने एक चैरिटी राउंड भी रखा है. okay. तो हमारा एक टास्क है कि हमारा जो चैरिटी फंड रेजर है वो एक बिहार में एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसके लिए डोनेशंस और हमें फंड रेज करना है. तो वो भी एक हमारा टास्क है या एक प्रोजेक्ट है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड, उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है आपकी ब्यूटी पेजेंट की सक्सेस का, लेकिन एक आपको एक अलग
यू नो अंदाज देना उसको, तो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो हाँ, तो इस तरह की जर्नी है. और काफ़ी सारे, अभी मैंने हमारे घर में एक यूटिलिटी रूम है जो पूरी तरह से फैला हुआ है सारे कपड़ों से, यू नो तरह तरह के डिज़ाइन, ज्वेलरी, जूते और प्रॉप्स. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. और हर चीज़ को बिल्कुल मेटिकुलसली प्लान करना, इट हैज़ बीन क्वाइट हार्ड. दीपा जी, अनु, आर यू प्लानिंग टू गो टू इंडिया फर्स्ट टू डू योर शॉपिंग, या यहीं से शॉपिंग हो रही है? No, sorry, I'm not going to India because there's no time. But yeah, doing online shopping. So shopping used to be my retail therapy. Lately, it's been a little bit stressful. Shopping, I have to do shopping, I have to finish, and I have to get that on time. So that has been a little bit challenging. Because your checklist have changed now. Yes. Yes. Oxidized jewelry kya hoti hai? Yes. Kya wo mask lega? Kya wo kya kehte hai wo jo oxygen? Black metal. So in some ways it's good because they have got that lookbook. So there's nothing. It's like we can be wild with all our choices, but they have narrowed it down. I feel that it's better for me. Just kind of okay, this is the color, I have to go with it. But then because we are all kind of spoiled with this choice overload, which makes it harder to kind of, you know, narrow it down and buy clothes. But so I'm getting there, and I've never ever received such big parcels in my life, like all my belongings. My daughter every time, is that yours? Is that yours too? Yes, everything is mine. Mom, mere liye bhi kuch buy kar lo. It's like, no, you wait. Ye sab tumhara hi hai. Yes, you grow up and you can wear this. After 6th of May, it's all yours. Yes. दीपा जी, हाउ डिफिकल्ट और इजी इट इज, बिकॉज आपके घर में तो सब बॉयज हैं. कोई भी हेल्प नहीं करता होगा कि ज्वेलरी खरीदनी है, ड्रेस खरीदनी है, कहाँ से एडवाइस लेती हैं? माँ को फोन करती हैं, सासू माँ को करती हैं, किसको करती हैं आप? आपने सही बोला मनीष जी, मेरे घर में 3 बॉयज और मैं अकेली बंदी हूँ. तो पर आई थिंक इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि बॉयज की चॉइस भी बहुत डिफरेंट होती है. अच्छा. तो वो जब अपना इनपुट डालते हैं, जब वो बताते हैं मम्मी ये ठीक नहीं लग रहा है, या फिर रोमिल जब बोलता है कि नहीं इसकी जगह ये वाला चूज करो, तो दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव. तो वो भी मुझे एक मेल इनपुट काफी अच्छे से मिल रहा है चूज करने में. तो मैं बता दूं ये पहनूं या ये पहनूं, ये वाला इस दिन के लिए, ये वाला इस दिन के लिए. तो रोमिल बोलता है नहीं ये अच्छा है, और उसको वो भी सीख रहे हैं क्योंकि उनको वो नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं. तो वो बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर पर्पस के लिए ये ज्यादा बेटर है. तो आई थिंक रोमन पॉलिटिक्स में अच्छा काम है, पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड बोलते हैं. आपका बड़ा बेटा कितने साल का है? वो 14 साल का है. हो सकता गर्लफ्रेंड है तो शायद उसकी चॉइस पता है. मैं समझ रहा हूँ, गर्लफ्रेंड आप सही समझ रहे हैं. सही पकड़े हैं. पर आई थिंक मस्ती भी हो रही है, बट आई थिंक इट्स हार्ड वर्क. आई थिंक जैसे सबने बोला, और टास्क वाइज भी बहुत सही है. चैरिटी का टास्क है क्योंकि हम सब भगवान की दुआ से हमने बहुत मेहनत करी है, हम आगे बढ़े हैं. तो हम इस सिचुएशन पे हैं कि हम अपना भी ध्यान रख सकते हैं, अपनी इच्छाओं की भी और ज़रूरतों की भी को भी पूरा कर सकते हैं. मैं बिलीव करती हूँ इस बात को. तो आई एम श्योर एट सम स्टेज वी ऑल डू चैरिटी, एंड दिस इज अ ह्यूज कॉज अगेन. सो एट समथिंग वी कैन कंट्रीब्यूट टू एंड इंक्रीज द अवेयरनेस फॉर पीपल अबाउट इट. एंड ड्रेसेस ऑनलाइन मैंने कभी शॉपिंग नहीं की मेरी जिंदगी में. मुझे हमेशा एक छू के देखना है, देख के देखना है, पर मैं पहली बार ऑनलाइन अकाउंट खोला है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ. तो इट्स अ लर्निंग कर्व. चलिए बढ़िया, बिकॉज जितने भी मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड होते हैं वो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट. इसके बहाने आप लोग, बिकॉज यू कैन अट्रैक्ट मोर, कहते हैं कि जो डोनर्स होते हैं कि तो उसका जो लिंक है, जैसे जो डोनेशन का है, हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में अटैच किया हुआ है. सो अगर किसी को डोनेट करना हो सो दे आर मोस्ट वेलकम. उसमें जो रिसीव हम लोग करेंगे यूजली इन इंडियन रुपीज़ में होगा, तो इंडियन अकाउंट. अगर किसी को ट्रांसफ़र करने का मन हो, एवरीबडी वांट्स टू कॉन्टैक्ट टू सपोर्ट द हॉस्पिटल एंड शांति सिजल ट्रस्ट, सो पीपल आर मोस्ट वेलकम. एंड इट इज़ अ नोबल कॉज, वी आर ऑल इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग दैट वन. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, आप सब प्रिटी वुमेन हैं, तो एक गाना मेरे को याद आ रहा है शाहरुख खान का, प्रिटी वुमेन, प्रिटी जिंदा थी. और क्यों ना एक गीत हो जाए, क्योंकि प्रिटी वुमेन, अब मैंने अभी देखा है कौन है वो अनजानी जो लेकर आएगा क्राउन कैनबरा के शहर में. चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए चक दे फट्टे जी. हाँ, आप जाने
जी हाँ, प्रिटी वुमन, प्रिटी वुमन, ये चारों प्रिटी वुमन, आई एम श्योर दे ऑल आर हाइप्ड अप, पम्प्ड अप कि जो मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट है हॉट मॉन्ड वाला, वो ये जीत कर आएंगे. नमिता जी, अनु, मनीना एंड दीपा जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आप लोगों की जर्नी सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और आई एम श्योर बाकी जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको भी जोश आया होगा, जो और लेडीज इसमें भाग लेना चाहती हैं, क्योंकि सीजन 14 की घोषणा, सीजन 14 के ऑडिशन अभी चल रहे हैं. तो मैं एंकरेज करूंगी कि हम, मेरी जो खुद की जर्नी रही है उसको देख के मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो उतना ज़्यादा इसमें गेन करेंगे. सो आई वुड एंड आई वुड गिव अ मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर और एनीबडी आउट देयर कि ऑलवेज थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड नेवर डाउट योर सेल्फ. यू नेवर नो तुम्हारी कौन सी कैपेसिटी कब आके तुमको इतना सपोर्ट कर देगी, तुम कोई भी चैलेंज बहुत आराम से स्मूथली उसको ले लो. सो जस्ट गो फॉर इट, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट डू इट. सो एंड सीजन 14 हॉट मॉन के ऑडिशन अभी ओपन है, प्लीज आपका मन है तो जाइए, हमसे कॉन्टेक्ट करना हो, कुछ गाइडेंस लेनी हो, प्लीज कम टू अस. कोचिंग क्लास खुल गई है, कोचिंग क्लास खुल गई है 6th मई के बाद, कैनबरा में कोचिंग क्लास खुलेगी एंड दे आर वेरी वेरी हेवीली चार्ज करेंगे. जितनी भी शॉपिंग की है उसका खर्चा कोचिंग क्लास से निकालेंगे. पूरी कोशिश रहेगी अपना बेस्ट वहाँ पर देने की. लेकिन व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग, आप लोग का क्या कैसा लग रहा है? आई नो यू आर एंजॉयिंग द जर्नी, सीखने को मिला है, लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन विनिंग का चांस है, क्योंकि आप लोग बाकी लोगों को भी देख रहे हैं. आई थिंक दे आर अराउंड 110 ऑल ओवर द वर्ल्ड. 110 में से मे बी आई से 90 पहुंचेंगी, कुछ लोग तो रेस में ही पीछे हो गए होंगी, आई एम नॉट श्योर, मे बी यस. अभी तक तो सारे आ रहे हैं, तो उन सबको देख के आपको कैसा लग रहा है? व्हाट आर योर देयर टॉप 10? आई थिंक मनीना आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, सो विनिंग चांसेस, लुक ये बहुत एक अलग तरह का कंपटीशन है और अगर आप मुझसे पूछे तो आई एम नॉट डाउटिंग माय सेल्फ, सो आई हैव गॉट 100% ऑफ चांस ऑफ विनिंग. दैट्स अ स्प्रेड. बट सेइंग सो, यू नो, जो जितने यू नो अभी इस समय हमने ना बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ भी हमारी दोस्ती बढ़ी, सो नॉट जस्ट इन कैनबरा लेकिन पूरे यूएस में, नेदरलैंड में, जर्मनी में नेटवर्किंग हुई है एंड एवरी वुमन इज अमेजिंग. सो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी यू नो थोड़े बहुत क्राउन्स होंगे, थोड़े बहुत टाइटल्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हर औरत जो पार्टिसिपेट कर रही है वहां पे, शी इज गोइंग टू बी अ विनर एंड दैट्स व्हाट आई एम रियली होपिंग फॉर. ऑसम, ऑसम, वेल सेड, वेल सेड. दीपा जी कुछ? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सीजन 14 के लिए प्लीज एनरोल योर सेल्फ इफ यू थिंक दैट यू वॉन्ट टू डू इट, देयर इज नो प्रेशर. अगर आपको करने का मन है तो कोई भी इच्छा, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन जरूर कीजिए. फैमिली से पूछना जरूरी है, स्पाउस से, मतलब पार्टनर से, उनको कन्विंस करना जरूरी है और सबके अपने अपने तरीके हैं, स्पाउस अपने आप कन्विंस हो जाते हैं. इतना तो त्रिया चरित्र खेलना आना चाहिए. तो आप स्पाउस को कन्विंस कीजिए. ये मेंटल डॉक्टर है, ये दिमागी खेल खेलती है कैसे अपने पति को वश में करना है. इतना त्रिया चरित्र नहीं सीखा तो क्या सीखा. चलिए, बट आई डू थिंक दैट इट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी और बहुत कुछ सीखने को और विनिंग चांसेस. जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया themselves, they are winner because it takes a lot of guts to participate. Absolutely. And to go through it. क्या बात? Thank you. Anu, you want to add something to this? Winning chances, like they said, like look, there are, I could see lots of contestants in that they're doing really well. And there are times I would be kind of a little bit swayed by, okay, they're doing so well, because at the end of the day, it's a competition. You want to kind of do well. So then I said, this is my journey. I'm not going to let that affect me, whatever the other person. I'm going to put in my 200% and then go for it. And that's me. In anything I want to do, I'll do my best. So whether it's someone else's best or not, but I will do my 200%. Amazing. And that's what I'm going Absolutely. To do. Absolutely. 200 ke 400%. I'm sure one of you will be a winner. और जैसे बोला कि एक अवार्ड नहीं है, वहाँ कई सारे क्राउन्स हैं. वैसे भी मनीष जी पार्टिसिपेट इसमें किया था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि अभी चल रहा है. अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन वी आर गिविंग अ बेस्ट ऑल ऑफ अस. चलिए, लवली लवली टॉकिंग टू, मुझे तो बहुत मजा आया. क्या ब्यूटी और सौंदर्य का तड़का लगा. पहली बार ऐसा कुछ हुआ है स्टूडियो में और अच्छा लगा. एंड आई एम श्योर ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. थैंक यू मनीष जी इनवाइट करने के लिए हम लोगों को और ये मौका देने के लिए कि हम सारे व्यूअर्स को सीधे डायरेक्टली अप्रोच कर सकें आपके थ्रू. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. और आई एम श्योर
और भी कंपटीशन में भाग लेती रहेंगी और इससे आपको जोश और जुनून बढ़ा है प्रॉब्ली. नहीं, दीपा जी बोल रही है हो गया. जिंदगी में एक ही बार एक चीज करनी है अच्छे से, कुछ और नया करेंगे. चलिए, ऑल द बेस्ट आप चारों के लिए. और बाकी दो जो कैनबराज हैं जी, मनी ठाकुर एंड दीप्ति शर्मा, और ऑस्ट्रेलिया से. मैं तो कहूंगा कोई कैनबरन या ऑस्ट्रेलियन क्राउन लेकर आए तो अच्छा लगेगा. सो प्राउड ऑफ देम. चलिए दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के. मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और समय बस कह रहा है कि दो मिनट बचे हैं, और आप लोगों से मैं भी विदा लेता हूं. और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा. मैंने अयोध्या के दर्शन कराए आपको ऑन एयर, और साथ में काशी भी ले गया. तो उस पर हमारे सुरेंद्र शर्मा जी क्वींसलैंड से लिख रहे हैं, मनीष जी वेलकम बैक, राम लला और काशी जी के दर्शन के बाद अच्छा तड़का लग रहा है. थैंक यू, जय श्री राम. सुरेंद्र जी एंड ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा. और चलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, और आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन चारों सुंदरियों को फॉलो करते रहिए. जी हाँ, डॉक्टर दीपा जी हैं, इनका इंस्टा हैंडल हमारे फेसबुक पे है. डॉक्टर मनीना पाठक हैं, डॉक्टर अनु तिरुपति हैं, डॉक्टर नमिता मित्तल हैं, मनी ठाकुर हैं, और दीप्ति घई शर्मा है. मनी ठाकुर का नाम लेना मुझे 10 बार लेना पड़ रहा, नहीं तो अभी फिर एक और मैसेज आएगा, मनीष जी हमको ही भूल गए, घर की मुर्गी दाल बराबर. नहीं, मनी ठाकुर तो खैर ऑलरेडी इंस्टा पे इतनी रहती हैं. आप लोग के लिए आज चैलेंज था. चलिए, बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट. मैं ऑल ऑफ यू विन, मैं तो कह रहा हूँ कि कई सारे क्राउन्स होने चाहिए, सब लोग लेकर आओ. चलिए, आप लोगों से बात. जी हाँ दोस्तों, बस मैं विदा लेता हूँ, आप लोग से मिलूंगे हम लोग जी मंगलवार की सुबह. कल सुनना मत भूलिएगा आज शगुन का प्रोग्राम जिंदगी का सफर, और मंगलवार की सुबह आरजे नूर आती हैं, और शाम को मंगलवार की शाम को आती हैं आरजे मनी ठाकुर, उनका प्रोग्राम शाम को 7 से 8 बजे. लगे रहिए बस इनका एक और प्यारा सा गीत, क्योंकि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, बस ये निकल पड़ी हैं अपनी जर्नी पर. और अगला रेडियो का ये इंटरव्यू जो होगा, एक क्राउन यहाँ दिखना चाहिए. एक नहीं, मैं कह सकता जितने हो सके सब फोटो उड़ लाओ. चलिए दोस्तों, आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और खिलखिलाते रहिए. और त्योहारों की शुभकामनाएं, वैसाखी की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं. लगे रहिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली संडे. आज मैं आगे
जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। I'm